हेलो, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का द फाइनल सर्च कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं यानी कि रोहित सर, जो आपके कल परसों के दिन भी आपको क्या लास्ट जो पीडीएफ करवाई थी इंग्लिश की, और आज जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो टेंस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से होने वाले हैं, और बेस्ट क्वेश्चन है जो कि आपके BSTC PTET क्वेश्चन में हो सकता है कि यही से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो अपना जो आज का सेशन रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो इसको ध्यान से करिएगा। और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, एकेडमिक्स वाला भी कोई जुड़ा हुआ हो अपने साथ में तो एकेडमिक्स वाला कर सकता है, PTET BSTC वाले कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स आ जाइए। मनीषा कटारिया बोल रही है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मनीषा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए जिससे हमें पता चले कि कितने स्टूडेंट जुड़े हैं अपने साथ। और आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, यहाँ से BSTC और PTET वालों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है भाई। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आज के सेशन को। तो चलो स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक कोई स्टूडेंट, जल्दी से सभी स्टूडेंट आ जाए भाई, जल्दी से, स्पीड से, जिससे कि आज का सेशन आसानी से कंप्लीट हो सके और समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन होने वाला है, आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है अपना हाउ। और सभी स्टूडेंट्स सेशन को लाइक और शेयर करें भाई, ताकि अपने जो दूसरे फ्रेंड्स भी है वो भी क्लास का लुत्फ़ उठा सकें, आसानी से उनको भी इंग्लिश में चीज़ें समझ में आ सकें। तो सभी लुप्त उठाइए आसानी से, और लाइक और शेयर सभी कीजिए भाई, लाइक और शेयर कीजिए सभी, लाइक और शेयर कीजिए सभी क्लास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाउ, फिर ब्लैंक दे रखा है, फिर अपने को सब्जेक्ट दे दिया यू, फिर ब्लैंक, गेट अपने को जो मेन वर्ब दे रखी है, गेट अपने को जो मेन वर्ब दे रखी है, इसमें अकॉर्डिंग टू गेट क्या मेन वर्ब फिल करनी है, और अपने को कौन सी प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी फिल करनी है। तो जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी, जल्दी से। जीतराम बेरवा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई जीतराम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स, जल्दी से जुड़िए सेशन में, जल्दी से जुड़िए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, यानी कि अपना जो फील इन द ब्लैंक्स है, उस फील जो अपना ब्लैंक्स है उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब और मेन वर्ब कौन सी फील करनी है। तो जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए सभी, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। और जितने भी स्टूडेंट अपने यहाँ पे लाइव जुड़े हैं उन सबको मैं बता देना चाहूंगा कि अब वैसे तो आपको लास्ट क्लास में बता दिया गया था, लेकिन जो अपनी क्लासें होने वाली है वो 7:30 PM से होने वाली है भाई, ठीक है। टाइम को थोड़ा सा चेंज किया गया है, आधे घंटे जल्दी किया गया है, तो अपनी जो क्लासेज होने वाली है वो 7:30 से होने वाली है, 7:30 से होने वाली है। जल्दी से सभी स्टूडेंट जुड़िए। और आज का पहला क्वेश्चन अपना, आज का पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर आंसर भी आ चुका है, जीतराम बेरवा का आंसर आ चुका है बी, जीतराम बेरवा का आंसर आ चुका है बी बी। और भी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए जल्दी से। तो चलिए देखते हैं अपना जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, पहले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि सबसे पहली जो आपकी नजर जाना चाहिए, ठीक है, वो किस पे जाने चाहिए, अपने सब्जेक्ट पे जाने चाहिए, और आगे वाला जो फ्रेजेस दे रखा है अपने को, आगे जो सेंटेंस दे रखा है उस सेंटेंस पे जानी चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है ऑन विथ योर स्टडीज, ऑन विथ योर स्टडीज, और जो अपना टेंस दे रखा है ये किसका है भाई, सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इनडेफिनेट का है, प्रेजेंट इनडेफिनाइट टेंस का है, ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का है। अब कुछ स्टूडेंट ये भी बोल सकते हैं कि जस सर ये जो अपना सेंटेंस दे रखा है ये प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हैं क्या इसको, जिसको हम अभी तक बोलते थे प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, अभी तक सभी बोलते थे। जल्दी से स्टूडेंट्स जुड़िए, यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग फैक्ट होने वाला है, इंटरेस्टिंग फैक्ट होने वाला है कि प्रेजेंट इनडेफिनेट को हम इतने दिन प्रेजेंट सिंपल सिंपल समझते थे। मनराज बेरवा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मनराज। तो
अपने हम क्या कर सकते थे, इतने दिन प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस को ही प्रेजेंट सिंपल टेंस समझते थे, लेकिन आज मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि जो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस होता है और जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, ये दोनों आपस में बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते, ठीक है? ये दोनों टोटली डिफरेंट है, यानी कि पूरे डिफरेंट है दोनों। तो देखिए सबसे पहले किस प्रकार डिफरेंट है उसकी बात करते हैं। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो प्रत्येक टेंस होता है अपना, उस प्रत्येक टेंस के कितने टाइप होते हैं? प्रत्येक टेंस के फोर टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? फोर टाइप होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं जो आपको पढ़ाता हूँ वो फोर्थ टाइप नहीं, फिफ्थ टाइप पढ़ाता हूँ। कितने टाइप? पांच टाइप। और उसके अंदर जिसको आप सिंपल बोलते हो और वही इनडेफिनेट, उसको इनडेफिनेट समझते हो, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इनडेफिनेट और जो सिंपल टेंस होता है इन दोनों को अलग अलग करेंगे। क्यों करेंगे? इसका भी रीजन देखिए, सभी इसका रीजन देखिए, सभी इसका रीजन देखिए। पहले क्या रीजन होने वाला है कि अपने पास जो सिंपल टेंस होता है, अपने पास एक तो होता है सिंपल टेंस और एक मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इनडेफिनेट टेंस की, इनडेफिनेट टेंस की। तो वैसे तो आप सभी को पता होगा स्टूडेंट्स को कि जो सिंपल टेंस होता है, सिंपल टेंस होता है और इनडेफिनेट टेंस होता है टोटली डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जो सिंपल टेंस होता है इसका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता भाई, कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, हमेशा हमेशा एक्टिव वॉइस में रहेगा। ये किस में रहेगा? एक्टिव वॉइस में रहेगा। और अगर मैं बात करूं कि जो अपना इनडेफिनेट टेंस होता है, ये इस इनडेफिनेट टेंस का आसानी से, इस इनडेफिनेट टेंस का आसानी से पैसिव वॉइस बन सकता है, आसानी से पैसिव वॉइस बन सकता है। यही सबसे बड़ा रीजन था, यही सबसे बड़ा रीजन था किसका, सिंपल और इनडेफिनेट टेंस को अलग करने का, ठीक है? सिंपल और इनडेफिनेट टेंस को अलग करने का सबसे बड़ा रीजन था। और यदि मैं आपको एक और यहाँ पे बात करना चाहूँ कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो कि सिंपल टेंस कौन सा होगा और इनडेफिनेट टेंस कौन सा होगा, इसको पहचानने में आपको प्रॉब्लम हो, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहूंगा। तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि जो सिंपल टेंस होता है, आपको मैं बता दूं कि अपना जो सिंपल टेंस होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कलर को पहचानने में। तो अपना जो सिंपल टेंस होता है, इस सिंपल टेंस का जो फॉर्मूला, अगर मैं स्ट्रक्चर क्या, जो अपने सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करूं, तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस, यहां पर इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि यहां पर जो अपने को हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी, यहां पर अपने को जो हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का कौन सा पार्ट, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब दी जाएगी, वही किसका कार्य करेगी, मेन वर्ब का कार्य करेगी, ठीक है? मेन वर्ब का कार्य करेगी। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जो विल और सेल होता है, अपना जो विल और सेल होता है, ये प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब में नहीं आते भाई, ये मॉडल है, ये क्या है, मॉडल है, और ये कभी भी मेन वर्ब के रूप में कार्य नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अपनी प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब है वही किसके रूप में कार्य करेगी, मेन वर्ब के रूप में कार्य करेगी। जो अपना विल और सेल होता है, जो मॉडल होता है, मॉडल कभी भी मेन वर्ब के रूप में कार्य नहीं करता। तो मॉडल के साथ बी लगा होता है और ये बी अपना किसके फॉर्म में, मेन वर्ब के रूप में कार्य करता है। बी किसके रूप में कार्य करता है भाई, मेन वर्ब के रूप में कार्य करता है। तो ये था इनडेफिनेट टेंस, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया होता है। इस चीज को भी ध्यान में रखना कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता और ऑब्जेक्ट की जगह क्या दिया जाता है भाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है। ध्यान रखना इस चीज को। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर जो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ये होती क्या चीज है, होता क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? तो देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को भी समझिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को समझिए आप। जो अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, जो अपना जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और इस चीज को ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सिंपल टेंस होता है उसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, उसमें क्या दिया जाता है, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है। नित्या जांगिड़, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग सुनीता, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट को, गुड इवनिंग भाई, ठीक है? तो अपना जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ये डायरेक्टली अपने को इंट्रोड्यूस करवाता है, यानी कि परिचित करवाता है, और किससे करवाता है, सब्जेक्ट से करवाता है, ठीक है? दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि जो अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली यूज होता है किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, आई विल बी ए टीचर, यानी कि मैं भविष्य में, अगर मैं यहाँ पे एक टीचर की बात ना करूं,
ग्रेट टीचर, तो आप मुझे ये बताइए कि मैंने अभी आपको क्या बोला था कि विल और शैल जो फ्यूचर की आप जिसको प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब समझते हो वो कभी भी प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं है, वो क्या है? मॉडल है भाई, ध्यान में रखना। विल और जो शैल होता है अपना, ये प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं है। ये क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं है। फिर ध्यान से सुनना, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं है, ये क्या है? अपना मॉडल है। और मॉडल कभी भी, और मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी ये चीज बताई होगी, बताई थी कि जो विल और सेल होता है ये मॉडल होता है, और सीईटी वालों को तो अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन भी किया था कि जो मॉडल होते हैं ये कभी भी मेन वर्ब के रूप में कार्य नहीं करेंगे, कभी भी मेन वर्ब के रूप में कार्य नहीं करेंगे। तो अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर बी लगाया मैंने, तो ये बी किसके रूप में कार्य कर रहा है? मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर आई यानी कि, और इसके जस्ट बाद में एक ग्रेट टीचर दिया गया है, जो ए ग्रेट टीचर है ये क्या? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करवाया सब्जेक्ट, तो ये होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये तो हुई सिंपल की बात, ये तो हो गए अपने प्रेजेंट जो सिंपल टेंस था उसकी बात। अगर मैं बात करूं इनडेफिनेट टेंस की, अगर मैं बात करूं इनडेफिनेट टेंस की, तो अब आप समझिए इनडेफिनेट टेंस को। और हाँ, इस चीज को ध्यान में रखना भाई, सभी ध्यान में रखना कि जो प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब होती है वही मेन वर्ब के रूप में कार्य कर सकती है, कभी भी मॉडल कार्य नहीं करेगा। और फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर तो जो टेंस होता है उसके अंदर काम में आने वाली, अपने जो यूज होने वाली कौन सी? हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम बोलते हैं विल और सेल। ध्यान रखना इस चीज को हमेशा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जो अपने फ्यूचर टेंस होता है, अपने कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस होता है। इस फ्यूचर टेंस की जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन, क्या होती है? विल और सेल। वो क्या होती है? विल और सेल होती है, ठीक है, सभी ध्यान रखना भाई, विल और सेल होती है। और विल और सेल कभी भी, अगर मैं आपको बात करूं हेल्पिंग वर्ब के, देखो प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब और मॉडल को समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो एक चीज थोड़ा सा इधर साइड में मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अपने पास जो हेल्पिंग वर्ब होती है, अपनी जो हेल्पिंग वर्ब होगी इसके तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। कितने पार्ट होते हैं इसके? तीन पार्ट, जिसके अंदर एक में आती है प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब आती है, ध्यान रखना भाई सभी। एक आती है प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, एक आता है अपने पास मॉडल, एक आता है अपने पास मॉडल, और एक आता है अपने पास मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है। तो सभी ध्यान रखना, तो अपने पास जो भी प्रेजेंट और पास्ट टेंस के अंदर, प्रेजेंट और पास्ट टेंस के अंदर इज एम आर, वॉज वर, डू डज, हैज हैव, हैड, इस प्रकार की जितनी भी, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है, वो सभी प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब होती है। और अभी मैंने आपको पहले बता भी चुका हूँ कि जो प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब होती है ये किसके रूप में? मेन वर्ब के रूप में कार्य करती है, और जो मॉडल होगा कभी भी मेन वर्ब के रूप में कार्य नहीं करेगा, ओनली हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करता है। इसीलिए अपने को विल और सेल के साथ, यदि अगर सिंपल टेंस है तो ये मॉडल हो गए जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रहे हैं, और मेन वर्ब के रूप में कार्य करेंगे तो मॉडल के साथ बी लगेगा, और बी, और जो बी होता है ये बी के किसके रूप में कार्य करेगा? मेन वर्ब के रूप में कार्य करेगा। तो ये तो हो गया अपने पास कौन सा? सिंपल टेंस। अब इनडेफिनेट टेंस, आप सभी को पता है कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट दिया होता है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में सिंपल बोलते थे पहले, अब नहीं बोलेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज को सभी। तो ये था इनडेफिनेट और सिंपल के अंदर कुछ डिफरेंस था। तो दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये तो था बेसिक, जो आप समझ सको, आपको कुछ पता चल सके कि टेंस में भी कुछ लॉजिक है, ठीक है। अब तक जो आप पढ़े हो और अब जो पढ़ रहे हो उसमें डिफरेंस होने वाला है, और बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होने वाला है, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी कमेंट में दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी कमेंट में दीजिए भाई, जल्दी से जल्दी से। मनीषा, गलत बात है ये, जल्दी से आंसर दीजिए। नीतू, राधे राधे सर, राधे राधे नीतू, राधे राधे, स्पीड से आंसर दीजिए भाई सभी, जल्दी से आंसर दीजिए, अभी तक आंसर नहीं आ पा रहा, अभी तक आंसर नहीं आ रहा मेरे पास, स्पीड से आंसर दीजिए, अभी तक आंसर नहीं आया, अभी तक आंसर नहीं आया मेरे पास, अभी तक आंसर नहीं आया भाई। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से आंसर दीजिए, अभी तक आंसर नहीं आया,
अभी तक आंसर नहीं आया मेरे पास, जल्दी से आंसर दीजिए सभी, जल्दी से। मुकेश बेरवा, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग मुकेश, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंटों को, गुड इवनिंग। जल्दी से आंसर दीजिए भाई सभी, जल्दी से आंसर दीजिए सभी। तो चलिए चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो अपना जो सेंटेंस दे रखा है यह प्रेजेंट कौन से में, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का है भाई, ध्यान दीजिए सभी, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का है। और इस चीज को भी ध्यान दीजिए कि जो आज का सेशन होने वाला है बीएसटीसी और पीटीटी वाले, बीएसटीसी और पीटीटी वालों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। वैसे अपना सेशन एसएससी नेवी एयरपोर्ट्स इनके लिए तो होता ही है, लेकिन आज का जो सेशन है बीएसटीसी और पीटीटी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपको भी यही से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हो सकता है आपको भी यही से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो जीतराम बेरवा का आंसर आ चुका है बी। तो अपना जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब जिसको बोला जाता है, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर जो प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं वो कौन सी यूज की जाती है, सभी को पता होगा, ये तो बेसिक सी चीज है, डू और डज यूज की जाती है, ठीक है। कौन सी यूज की जाती है, डू और डज यूज की जाती है। और इसके साथ जो मेन वर्ब यूज की जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो सभी ने ये देख लिया होगा, सभी ने ये देख लिया होगा और सभी को आंसर भी पता लग गया होगा कि आंसर अपना क्या होने वाला है। और यू देखो, अब जो डू होता है अपना, जो डू होता है ये प्लूरल के साथ यूज होता है, डू होता है ये प्लूरल के साथ यूज होता है। और अपना जो डज होता है ये डज कौन से सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो सभी स्टूडेंट्स को ये बेसिक सी बातें पता होगी, मुझे आशा है कि आप सभी को ये क्या पहले से ही पता होगी, और आप सभी ने इसका आंसर भी दिया, इसका आंसर डू हो, डू क्या सेकंड ऑप्शन होने वाला है कि इसके अंदर जो डू यूज किया गया है ये डू किसके अकॉर्डिंग यूज किया गया, अपने जो यू सब्जेक्ट है जो कि क्या सेकंड पर्सन प्लूरल है, सेकंड पर्सन प्लूरल है जिसके साथ, अगर प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे भाई। लेकिन आपको यहां से एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, जहां से बीएसटीसी में और पीटीटी में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रहे इसका आंसर सेकंड ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि अपना जो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है, अगर आप सभी बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो एसएससी भी यहां से बार बार क्वेश्चन उठाता है, ठीक है, एसएससी भी यहां से बार बार क्वेश्चन उठाता है। तो देखिए कि जो अपना प्रेजेंट, अपना प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस था, इस प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में जो अपना सिंपल सेंटेंस होता है, सॉरी अगर मैं बात करूं जिसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं या फिर पॉजिटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है, इस अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब जिसको आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हो, और मैं उसको क्या बोलूंगा, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब बोलूंगा, और सभी एसएससी स्टूडेंट भी क्या बोलेंगे उसको, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब बोलेंगे, तो ठीक है। तो अपनी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती, जबकि मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज किया जाता है, एस या ई एस यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करें और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कहाँ यूज करें, क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करें और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कहाँ यूज करें। तो आपको मैं बता दूं, एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा भाई, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन भी करूंगा ये चीज। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं, यहां पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, सुनीता ईट फूड। अब यहां पे देखिए कि जो अपना सेंटेंस दिया गया है ये अभी तो गलत है, ठीक है, अभी क्या है, गलत, रॉन्ग सेंटेंस है ये। तो इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर मेन वर्ब का यूज ढंग से नहीं किया गया, तो देखिए ये पहले देखिए तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है, सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट जो अपना टेंस होता है उसका सेंटेंस है। और यदि मैं बात करूं भाई, यदि मैं बात करूं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर किसी भी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा जो अभी मैंने आपको बताया, और जो अपनी मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और सी आई एस का प्रयोग करेंगे इसके साथ, तो देखिए सी आई एस का कब करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कब करेंगे, जब
अपने अपने को जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर दिया हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर दिया हो, तब तो हम किसका यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, एस या एस का यूज करेंगे, अन्यथा किसका यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर सुनीता दे रखा है और सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है भाई, अगर किसी का नेम दे रखा हो सिंगुलर तो वो थर्ड नेम तो थर्ड पर्सन में आएगा, लेकिन अगर सिंगुलर दे रखा हो तो एस या एस का यूज होगा। तो यहाँ पे इट्स के ईट के साथ एस का प्रयोग होगा जो कि हो जाएगा इट्स। अब अपना सेंटेंस गलत नहीं है, अब अपना सेंटेंस सही है। तो पहला क्वेश्चन सभी के क्लियर होगा और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो भी आशा है मुझे कि उसको भी आप सही करोगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो की ओर। अपना क्वेश्चन नंबर दो क्या है, सी लिव फॉर जम्मू यस्टरडे। तो अपनी जो मेन वर्ब दी गई है लिव, इसको क्या फील करना है सही ढंग से, करेक्ट फॉर्म, अपनी जो करेक्ट फॉर्म है वो करेक्ट फॉर्म इसके अंदर फील करना है भाई, करेक्ट फॉर्म इसके अंदर फील करना है वर्ब की। तो कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए कमेंट में। टीएपस वाला मनीष सैनी, वेदर प्रीपोजिशन सही है, बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिए। और एक क्वेश्चन कल वाला भी था जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, उसको मैं लास्ट में करवाऊंगा, और जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए भाई सभी क्वेश्चन नंबर दो का, क्वेश्चन नंबर दो का जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। अभी तक आंसर नहीं आया किसी का भी, अभी तक आंसर नहीं आया। शिवाना का आंसर आ चुका है ए, शिवाना का आंसर आ चुका है ए, यानी कि ऑप्शन नंबर वन। अदर स्टूडेंट भी जल्दी से आंसर दीजिए भाई, अदर स्टूडेंट जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। अपने नीतू का आंसर आ चुका है ए, और अगर मैं बात करूं राजेश प्रजापत का आंसर आ चुका है ए, जल्दी से और भी अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं भाई, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दो की ओर, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दो की ओर। जीतराम बेरवा का आ चुका है डी, टीएपस वाला मनीष सैनी चार नंबर का ऑप्शन है, और भी किसी का अनामिका का सी है। तो देखिए चलते हैं किसका ऑप्शन सही होने वाला है, किसका आंसर सही होने वाला है। तो अपने को देखिए क्वेश्चन नंबर दो दे रखा है और क्वेश्चन नंबर दो के अंदर बोल रहा है कि करेक्ट फॉर्म फील करना है लिव की, और अपने को लास्ट में दे रखा है यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे, यस्टरडे होता क्या है, यदि अगर मैं बात करूं कहीं पर भी आपको यस्टरडे, यदि कहीं पर भी आपको यस्टरडे लास्ट नाइट या फिर मॉर्निंग लास्ट इवनिंग, ठीक है, या फिर कुछ समय से रिलेटेड यहां पर क्या कोई शब्द मिल जाए तो वहां पर आपको क्या फील करना है। वहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि वहां पर पास्ट इनडेफिनेट टेंस फील होगा भाई, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कौन सा पास्ट इनडेफिनेट फील होगा, पास्ट इनडेफिनेट टेंस फील होगा। और पास्ट इनडेफिनेट के अंदर यदि पॉजिटिव, वही यहां पर भी देख लेना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। अगर पास्ट टेंस में कहीं से क्वेश्चन पूछेगा आपको तो यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो इसको भी ध्यान से देख लिया कि पास्ट इनडेफिनेट का जो पॉजिटिव टेंस होता है अपने पास, पॉजिटिव जो सेंटेंस होगा उसके अंदर भी जिस प्रकार प्रेजेंट इनडेफिनेट के पॉजिटिव सेंटेंस में कोई भी जो मेन वर्ब थी उसका प्रयोग नहीं किया जाता था, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज किया जाता था, उसी प्रकार पास्ट इनडेफिनेट का जो अपना पॉजिटिव सेंटेंस है इसके अंदर किसी भी प्रकार की मेन वर्ब का यूज नहीं किया जाता, यहाँ पर यूज किया जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसको यदि मैं बोलूँ क्या कहा जाता है, पास्ट फॉर्म भी बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, पास्ट फॉर्म भी बोला जाता है, वो यूज की जाती है। और अपने को जो यहाँ पे दे रखा है वो यस्टरडे के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि वो पास्ट टेंस है, और यदि मैं बात करूँ पास्ट टेंस है और पास्ट इनडेफिनेट के अंदर यूज होगा तो पास्ट इनडेफिनेट टेंस है, और उसका भी कौन सा पॉजिटिव सेंटेंस है, दैट मीन्स यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसको पास्ट फॉर्म बोला जाता है वो फील किया जाना चाहिए। तो देखिए जो लिव का सेकंड फॉर्म होता है क्या है, लिव का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट, इसलिए जो आंसर होगा फोर्थ नंबर का, यानी कि जो जीतराम का आंसर था वो सही था, जीतराम का आंसर था वो सही था। नीतू बोल रही है डी होगा सर, बिल्कुल अपना जो चौथा आंसर है वो सही होने वाला है, चौथा आंसर सही होने वाला है। टीएपस वाला मनीष सैनी बोल रहा है सेकंड फॉर्म, हाँ मनीष सैनी यहाँ पर सेकंड फॉर्म फील की जाएगी,
और उसके अकॉर्डिंग अपना जो आंसर होगा, लिव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो अपना आंसर होगा वो होने वाला है लेफ्ट, वो होने वाला है लेफ्ट। तो देखिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर। क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर, अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर तीन का, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर तीन का। मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ किस किस का आंसर आ रहा है, तो स्पीड से आंसर दीजिए। टीएफएस मनीष वाला मनीष चेनी, तो जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट में। टीएफएस वाला मनीष सैनी का आंसर आ चुका है ए, टीएफएस वाला मनीष सैनी का आंसर आ चुका है ए। वाह यार मनीष सैनी क्या ब्रिलियंट लड़का यार, सही पे सही जवाब दिए जा रहे हैं। टीएफएस वाला मनीष सैनी ए। अनामिका का आंसर आ चुका है डी, अनामिका का आंसर आ चुका है डी। दिनेश का आंसर आ चुका है दिनेश, दिनेश का आंसर आ चुका है ए, दिनेश का आंसर आ चुका है ए। तो सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट तो आप सभी को पहले ही बता दिया कि वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज होगी पास्ट इंडेफिनेट में यदि लास्ट यूज हो रहा है, लास्ट के साथ वीक दे रखा है, समय से रिलेटेड कोई दे रखा है अपने को, तो उसके साथ क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म फील होगी पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि राइट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको प्रेजेंट फॉर्म बोला जाता है, और यदि मैं बात करूं कि इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोड जिसको पास्ट फॉर्म बोला जाता है, और यदि मैं बात करूं कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी राइट की वो होती है रिटर्न, वो क्या होती है अपने पास रिटर्न होती है, क्या होती है भाई रिटर्न होती है। तो ध्यान दीजिए जो भी डी ऑप्शन कर रहे हैं, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी यहाँ पर, राइट की जो थर्ड फॉर्म थी वर्ब की सेकंड फॉर्म फील करना है तो रोट आएगा, अर्थात इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है वर्ब कौन सा ऑप्शन होने वाला है, फर्स्ट ऑप्शन होने वाला है, फर्स्ट ऑप्शन होने वाला है। मनराज बेरवा का सही आंसर था, दिनेश का सही था, जीतराम का सही था, ठीक है, लगभग लगभग सभी के आंसर सही थे, और बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो अभी आपको पहले बताया था मैंने। तो सभी ध्यान दीजिए, ऐसी गलतियां ना करें भाई बारीक वाली, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट में। ये बोल रहा है ही वीक इन इंग्लिश इन द बिगेनिंग, हो सकता है आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए आपसे, लेकिन निराश मत होना क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आज आपका सही नहीं हुआ तो आगे वाला प्रत्येक क्वेश्चन इस प्रकार का जो लिंकिंग वर्ब का प्रत्येक क्वेश्चन आपका सही होगा। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट में, मैं कमेंट बॉक्स चेक कर रहा हूँ भाई सभी का, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट में, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट में, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट में। हाँ, और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था प्रेजेंट इंडेफिनेट का पॉजिटिव टेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, और पास्ट इंडेफिनेट का पॉजिटिव सेंटेंस, इसको अपने माइंड में रखना। और एक और चीज बता दूं मैं आपको कि जो अपना पास्ट, एक और चीज बता दूं मैं आपको कि जो अपना पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई, यानी कि आपको मिस्टेक भी हो सकती है और कोई पूछ भी ले कि पास्ट इंडेफिनेट की यदि पॉजिटिव सेंटेंस में, यदि पास्ट इंडेफिनेट के पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म मेन वर्ब के रूप में फील की जाती है, किसी भी प्रकार की प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं वो फील नहीं की जाती, तो बचे हुए जो अदर सेंटेंस है इसके, जैसे अपने पास नेगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो उनके अंदर कौन सी प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब फील की जाएगी, तो मैं बता दूं आपको उनके अंदर डिड तो अपनी प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब फील की जाएगी, और उसके साथ हमेशा डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो मैं कमेंट बॉक्स चेक करता हूँ क्या आंसर होगा इसका। टीएफएस वाला मनीष सैनी बोल रहा है हैड बीन, दिनेश बोल रहा है डी ऑप्शन, मनराज बेरवा का आया है ए, अंजना का आया है डी, जीतराम बेरवा का आया ए, अच्छा ये पिछले वाले थे, तो दिनेश का आंसर आ चुका है डी। टीएफएस वाला मनीष सैनी बोल रहा है हैड बीन, तो ध्यान से सुनिए भाई, ध्यान से सुनिए, हो सकता है मैंने पहले बोला था कि हो सकता है अभी गलत हो, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल भी गलत ना होगा, एग्जाम में बिल्कुल भी गलत ना होगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो अपने को बी दिया गया है, इस बी का कौन सा बी यहाँ पे बेस्ट फॉर्म है, हमेशा ध्यान रखना एक ही वर्ब ऐसी है जिसकी बेस्ट फॉर्म होती है, और वो कौन सी है भाई, बी है, और यहाँ पे बेस्ट फॉर्म दी गई है। और यदि मैं बात करूं कि आपके पास ही वीक इन इंग्लिश इन द बिगेनिंग, इन द बिगेनिंग यानी कि यहाँ पे पास्ट टेंस की बात की जा रही है, इन द बिगेनिंग यानी कि इन द बिगेनिंग जो अपने को दे रखा है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर किस टेंस की बात की गई है, पास्ट टेंस की बात की गई है, किस टेंस की बात की गई है,
पास्ट टेंस की, यानी कि बी की कौन सी फॉर्म यूज होगी? जो प्रेजेंट में फील की जाती है बी की फॉर्म, वो तो यूज नहीं की जाएगी। अगर पास्ट टेंस बोल रहा है तो बी की पास्ट फॉर्म ही यहाँ पर क्या फील की जाएगी। और मैं बता दूं आपको कि बी की जो पास्ट फॉर्म होती है वो कौन कौन सी होती है, वाज और वर होता है। कौन कौन सी होती है? वाज और वर होता है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर ही दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वाज आना चाहिए। और वाज क्यों आएगा, ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर जो वाज है, यहाँ पर जो बी है, यहाँ पर जो अपना बी है वो किसका कार्य कर रहा है? बी लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। और लिंकिंग वर्ब का कार्य करते समय बी की फॉर्म यूज की जाती है। और अगर पास्ट टेंस दे रखा है तो वहां पर कौन सा वाज यूज होगा? भाई ध्यान से सुनिए, कौन सा यूज होगा? वाज यूज होगा। कौन सा यूज होगा? वाज यूज होगा। अगर मैं चलूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो इसका चौथा आंसर गलत था भाई सभी का। कोई चौथा आंसर, चौथा ऑप्शन बता रहा था हेडविन, तो हेडविन नहीं होगा। और हेडविन होगा तो भी कैसे होगा, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर फॉर और सिंस का प्रयोग किया गया है कहीं पे? कहीं पर भी नहीं किया गया है। तो आपका चौथा ऑप्शन गलत था। आंसर नंबर दो होने वाला है अपना, ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर होने वाला है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, पांचवा अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है ही राइट टू मी। यहाँ पे राइट ब्लैंक में फील करना, इसकी करेक्ट फॉर्म राइट टू मी एवरी मंथ। एवरी मंथ दिया गया है भाई, एवरी मंथ दिया गया है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन को समझिए पहले। अगर एवरी मंथ दिया गया है, एवरी यहाँ पर एडवर्ब दी गई है, तो कौन सा ऑप्शन फील होना चाहिए, कौन सी करेक्ट फॉर्म होगी? और जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी, सभी स्टूडेंट। में आंसर चेक कर रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स का, सभी स्टूडेंट्स का आंसर चेक कर रहा हूँ। आंसर आ चुका है अंजना का बी, अंजना का आंसर आया बी। जल्दी से अदर स्टूडेंट भी जल्दी से दीजिए भाई, अदर स्टूडेंट भी जल्दी से आंसर दीजिए। अंजना का आंसर आया है ओनली बी। अदर स्टूडेंट भी जल्दी से आंसर दीजिए, सभी स्टूडेंट्स जल्दी से आंसर दीजिए भाई, सभी स्टूडेंट्स जल्दी से आंसर दीजिए। फौजी सैनी, फौजी सैनी क्लास में आ चुका है भाई। फौजी इतना लेट कैसे हो गया? निकिता सैनी, हेलो सर, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन का आंसर मनराज बेरवा का आंसर आया ए, मनराज बेरवा का आंसर आया ए। अदर स्टूडेंट भी जल्दी से क्वेश्चन को समझिए और जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए भाई। जितना ज्यादा आंसर दोगे, हो सकता है आज मिस्टेक हो रही हो और कल आपका क्वेश्चन सही हो जाए। तो जल्दी से आंसर दीजिए। चलो चलते हैं अपने पांचवे क्वेश्चन की ओर। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस प्रकार की कुछ एडवर्ब्स दी गई हो, आपको इस प्रकार की कुछ एडवर्ब्स दी गई हो जिसके अंदर आपको क्या, एक तो एवरी दिया गया हो, यूजुअली दिया गया हो, एवरी यूजुअली, डेली डेली, यदि आपको नेचुरली दिया गया हो, नेचुरली दिया गया हो, और भी कुछ जो एडवर्ब्स थी ये दिया गया हो, तो मुझे ये बताइए कि इस प्रकार की एडवर्ब्स दी गई है तो आपको कौन सा प्रेजेंट, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस यूज करना है। कौन सा यूज करना है? प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस यूज करना है। और प्रेजेंट इनडेफिनेट का आपके सामने यहाँ पर देखो कौन सा पॉजिटिव सेंटेंस दे रखा है, पॉजिटिव सेंटेंस दे रखा है। यह कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बता दिया। और ही क्या है भाई, सभी ध्यान से सुनिए, ही क्या है? प्रोनाउन चार्ट को सभी ने ध्यान से पढ़ा होगा, प्रोनाउन चार्ट को। तो ही क्या है अपने पास? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। कौन सा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज किया जाता है। और यहाँ पर अपने को राइट दे रखा है तो इसके साथ क्या एस या ईएस यूज होगा, ये दोनों में से एस यूज होगा। तो अपना आंसर सेकेंड वाला जो आंसर है ये सही होने वाला है। और निकिता सैनी ने आंसर दिया था, शिवाना ने ए दिया था, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि इज राइटिंग नहीं होगा, सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, कौन सा राइट्स जो ऑप्शन है वो सही होने वाला है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन से प्रेजेंट इनडेफिनेट का पॉजिटिव सेंटेंस है, और अपने पास जो दूसरा था पास्ट इनडेफिनेट के पॉजिटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस, और सेकंड फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी इसको ध्यान से पढ़ना भाई, सभी इसको ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन उठेगा अगर पीटीटी बीएसटीसी में
तो यहां से क्वेश्चन पूछ उठेगा और इसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा है, इसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टा क्वेश्चन, दिस सर्वेंट विथ अस फॉर 10 ईयर्स, जल्दी से आंसर दीजिए। जो इतने टाइम आप समझ रहे थे कि अपना जो क्या कहां पर यूज होगा परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है। और देखिए फॉर और सिंस का प्रयोग हो रहा है, तो कौन सा टेंस होगा आपको ये समझना है और जल्दी से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 का कमेंट बॉक्स में प्रत्येक स्टूडेंट्स आंसर देगा, प्रत्येक क्वेश्चन जल्दी से आंसर देगा। अंजना का कमेंट आ चुका है ए, अंजना का कमेंट आ चुका है ए, टीएपस वाला मनीष सैनी 6 के अंदर आंसर बता रहा हैज बीन वर्किंग। अदर स्टूडेंट भी जल्दी से आंसर दीजिए भाई, अदर स्टूडेंट भी जल्दी से आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स चेक कर रहा हूं मैं किस किस का आंसर आता है, जल्दी से आंसर दीजिए। टीएपस वाला मनीष सैनी हैज बीन वर्किंग, और भी कोई स्टूडेंट्स जल्दी से, दूसरे स्टूडेंट भी आंसर दीजिए भाई, जल्दी से आंसर दीजिए जल्दी से। नीतू सैनी का आंसर आ चुका है ए, शिवाना का आंसर आ चुका है ए, और भी स्टूडेंट्स जल्दी से आंसर दीजिए। तो चलिए देखते हैं अपना अपना जो क्वेश्चन होगा इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स को चेक करते हैं एक बार। तो अपने जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके अंदर देखो फोर का प्रयोग किया गया है। यदि सिंस और फोर का प्रयोग हो जाए कहीं पर, सिंस और फोर का प्रयोग हो जाए तो वहां पर या तो परफेक्ट का प्रयोग होगा, या तो परफेक्ट टेंस होगा, या फिर कौन सा जो अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, किसी एक का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन अपनी जो हेल्प यहाँ पे दी गई है, ऑप्शन दिए गए हैं, इनके अंदर हैज बीन वर्किंग दिया गया है, और ये भी देख लो कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है, प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर मैं आपको और बता देना चाहूंगा कि प्रेजेंट टेंस का जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, अपनी प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब यूज होती है, वो हैजेव यूज होती है। हैजेव के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है। और जो परफेक्ट टेंस होता है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के रूप में और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैजेव यूज होता है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैजेव यूज होता है। तो यहाँ पर अपना जो आंसर होने वाला है हेल्पिंग वर्ब, जो भी जिनका भी ए ऑप्शन था उनका सही था भाई, उनका आंसर सही था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन क्या है अपना, सातवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सातवां क्वेश्चन पूछ रहा है ही टीच इन दिस कॉलेज फॉर 5 ईयर्स। फिर देखो और क्वेश्चन आ चुका है, आपका पसंदीदा क्वेश्चन होगा शायद, क्योंकि बार बार आप दूसरे क्वेश्चन में भी यही आंसर दे रहे थे। तो पसंदीदा क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई जल्दी से कमेंट में, सातवें में। टीएपएस वाले मनीष सैनी ने तो पहले ही दे दिया भाई कि सातवें के अंदर जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, तीसरा ऑप्शन होगा। क्या कौन सा ऑप्शन होने वाला है, तीसरा ऑप्शन होने वाला है। तो एक बार और ध्यान से देखिए और जल्दी से आंसर दीजिए। मैं कमेंट बॉक्स चेक कर रहा हूँ, जल्दी से आंसर दीजिए स्पीड से। टीएपएस वाला मनीष सैनी फिर से बोल रहा है कि सातवें में टॉट होगा। तो अभी देखते हैं कि क्या होने वाला है भाई मनीष सैनी, देखते हैं कौन सा आंसर होने वाला है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई सभी। अभी तक आंसर नहीं आया स्टूडेंट्स का, अभी तक आंसर नहीं आया कमेंट बॉक्स में। शिवाना का ए आ चुका है, शिवाना का आंसर आया ए, तो देखते हैं कौन सा होने वाला है। और निकिता सैनी का आया सी, यानी कि टॉट। और भी देखो भाई, तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, चले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर फोर और सिंस का प्रयोग किया गया है, तो आप सभी को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इसके अंदर अगर थर्ड ऑप्शन होता है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो वहां पर क्या पास्ट इनडेफिनेट टेंस होता। तो यहाँ पर पास्ट इनडेफिनेट तो है नहीं, पहली चीज तो ये है। दूसरा, अगर आप बोल रहे हो कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होता है, यानी कि टीचर्स होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होता है, तो यहाँ पर कौन सा प्रेजेंट इनडेफिनेट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ तो चल रहा है कौन सा फोर और सिंस यूज हो रहा है। दैट मीन्स क्या ही कौन सा टेंस होने वाला है अपने पास, परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस होने वाला है।
और अगर मैं बात करूं कि अगर ये नहीं हो रहा, ये कंटिन्यूअस का ये है, ये नहीं हो रहा, तो अपने पास बचा हुआ जो चौथा ऑप्शन है ये इसका आंसर होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, जो अपना करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा चौथा। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपना जो आठवा क्वेश्चन है। तो सभी एसएससी स्टूडेंट्स, अभी तक सुनीता सैनी आज लाइव नहीं आई और मनीषा दोनों लाइव नहीं आए अभी तक। ठीक है, तो चलते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की ओर, चलते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट, यानी कि एक व्यक्ति जिसके पास अपने बकाया जो पैसे हैं वो लौटाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, वो क्या कहलाता है? तो ये जो क्वेश्चन उठाया गया है भाई, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है और वन वर्ड से उठाया गया है। कहाँ से? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक से उठाया गया है। तो आप सभी इसका आंसर दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, मैं चेक करता हूँ किस किस का सही आंसर होने वाला है और कौन कौन क्या आंसर देता है। इसका फिर एक बार और सुन लो। ए पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट, ये जो डेब्ट होता है ये होता है ऋण। एक व्यक्ति जो आप जिसके पास अपने ऋण को चुकाने से जिसके पास अपने जो ऋण है उसको चुकाने के लिए, ऋण को देने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? और आप सभी को मैंने पहले भी बोल दिया था और फिर बोल देता हूँ कि जो अपनी क्लास का शेड्यूल था उसको शिफ्ट किया गया है और क्लास अपनी 7:30 से, 7:30 से शाम को 7:30 से 7:30 PM से स्टार्ट होने वाली है, 7:30 PM से स्टार्ट होने वाली है। तो सभी स्टूडेंट्स 7:30 बजे क्या अपने लाइव सेशन में जुड़ जाए भाई, सभी लाइव सेशन में जुड़ जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका आठवें ऑप्शन का क्या आंसर रहने वाला है। सुनीता माली आ गई पर आंसर टाइपिंग नहीं हो रहा था। अच्छा, ये जो TFS वाला मनीष सैनी का आंसर आया पॉपर। ठीक है, शिवाना का आंसर आया ए। तो चलिए देखते हैं अपने TFS वाला मनीष सैनी नो, जिसको आंसर नहीं है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, सीख जाओ, अगर नहीं आ रहा तो यहाँ से सीख जाना आप। ठीक है, तो चलते हैं। तो बात देखिए, बात ऐसी है कि जो व्यक्ति पहले आपको दिया गया इंसॉल्वेंट, पुअर, डेस्टिट्यूट और पॉपर, तो मैं आपको इस मनी से रिलेटेड, किसी व्यक्ति के पास जो मनी से रिलेटेड जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं कि जो पुअर होता है, ये पुअर क्या होता है? पुअर यानी कि वह पर्सन होता है, ए पर्सन हु हैज नो मनी, हैज नो मनी फॉर लिविंग कंफर्टेबल लाइफ, यानी कि अपनी जो कंफर्टेबल लाइफ होती है उस कंफर्टेबल लाइफ को इंजॉय करने के लिए उसके पास जो पर्याप्त धन नहीं हो उसे बोला जाता है पुअर। और एक व्यक्ति का, एक स्टूडेंट्स का जो आंसर आ रहा था TFS वाले मनीष सेने का पॉपर, तो यदि अगर मैं बोलूं कि जो पॉपर हो क्या होता क्या है, तो पॉपर होता है ए पर्सन हु हैज यानी कि नो मनी, या फिर मोर नो मरी, नो मनी मोर नो मनी, यानी कि जिसके पास और अधिक धन नहीं हो, या फिर उसको बोलूं मैं वेरी पुअर व्यक्ति बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, वेरी पुअर पर्सन बोल सकता हूँ। तो जो वेरी पुअर पर्सन होता है उसको बोला जाता है पॉपर, और डेस्टिट्यूट का इससे कोई रिलेशन नहीं है। अपना जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर वन होने वाला है, ऑप्शन नंबर वन होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर वन क्या होता है? ए पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स। तो यहां से देखिए आपके तीन क्वेश्चन क्लियर हो गए, एक वन वर्ड से आपके तीन क्वेश्चन क्लियर हो गए, एक वन वर्ड से आपके तीन क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो चलते हैं अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है भाई, ध्यान रखना, इसका थोड़ा सा करेक्शन है और मैं आपको बता देना चाहूंगा इसका आंसर, मैं ही बता दूं क्योंकि यहाँ पे जो टाइपिंग गलत की गई है, यहाँ पर तो थोड़ा सा टाइपिंग गलत की गई है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ए नंबर ऑफ शिप्स, जिसको बोला जाता है फ्लिट बोला जाता है, सभी ध्यान रखना, एन नंबर ऑफ जो शिप्स था उसको बोला जाता है फ्लिट, उसको क्या बोला जाता है? फ्लिट बोला जाता है। और जो फिलोसॉफी होता है, फिलोसॉफी क्या होता है? टू स्टडी ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ मीनिंग ऑफ लाइफ, बिलीफ मीनिंग ऑफ लाइफ होता है भाई। ठीक है, तो सभी ध्यान दीजिए,
कि जो अपने पास फिलोसॉफी होता है वो फिलोसॉफी होता क्या है, टू स्टडी ऑफ आइडियाज, यानी कि जो विचार होते हैं और अपना जो बिलीफ होता है, यानी कि अपने जो जीवन का महत्व होता है उसका जो अध्ययन होता है उसको बोला जाता है फिलोसॉफी। अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो यह होता है तर्क संगत, और अगर मैं ब्लेस ये क्या ब्लेसफेमी है, इस ब्लेसफेमी की अगर मैं बात करूं तो ब्लेसफेमी होता क्या है, ब्लेसफेमी होता क्या है, यानी कि वह व्यक्ति, ब्लेसफेमी क्या होता है, वह व्यक्ति जो भगवान पे विश्वास करता हो, भगवान पे विश्वास करता हो लेकिन उसमें भी कौन सा बिलीफ मीनिंग हो, उसके अंदर बिलीफ कम हो, तो उसको बोला जाता है ब्लेसफेमी। तो इसका जो आंसर था वो फ्लिट होने वाला था, और जो एमोरल था इसके अंदर इन चारों ऑप्शन में आंसर नहीं था, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में आंसर नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए फिलोसॉफी, और जो ए नंबर ऑफ सिप्स होने वाला है, तो इनके साथ आपका दो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 का जल्दी से आंसर दीजिए, उस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जल्दी से आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का जल्दी से आंसर दीजिए। मैं कमेंट बॉक्स चेक करता हूँ, मैं कमेंट बॉक्स चेक करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का जल्दी से आंसर दीजिए, अभी तक आंसर नहीं आया किसी का। क्वेश्चन नंबर 10 में अभी तक आंसर नहीं आया किसी का, जल्दी से आंसर दीजिए भाई, जल्दी से आंसर दीजिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान दीजिए, वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, इसको बोला जाता है लेक्सिकोजर, लेक्सिकोग्राफर, इसको क्या बोला जाता है, लेक्सिकोग्राफर बोला जाता है, लेक्सिकोग्राफर। यदि आप बात करोगे ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी होती क्या है, तो अगर मैं बात करूं कि ज्योग्राफी क्या होती है, तो ज्योग्राफी होती है स्टडी, ज्योग्राफी होती है स्टडी ऑफ क्लाइमेट, पॉपुलेशन, क्लाइमेट, पॉपुलेशन एंड एंड अदर नेचुरल एंड अदर नेचुरल जो हैपेंड, यानी कि कोई घटना होती है उनका अध्ययन किया जाता है, उसको बोला जाता है ज्योग्राफी, उसको क्या बोला जाता है, ज्योग्राफी बोला जाता है। अगर मैं बात करूं लिंग्विस्ट, जो लिंग्विस्ट होता है ये क्या होता है, तो अपना आंसर तो आ चुका है 10वें क्वेश्चन का, वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, जो एक क्या डिक्शनरी को कंपाइल्स करता है उसको क्या बोला जाता है, लेक्सिकोग्राफर बोला जाता है। आंसर नंबर 2 सही होने वाला है भाई। हाँ शिवाना, थोड़ा सा जो डी डी आंसर दे रहे हैं उसको भी देख लेते हैं कि जो लिंग्विस्ट होता है वो होता क्या है, तो लिंग्विस्ट होता है वन हु नोज फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि जो विदेशी भाषा को समझता है उसको बोला जाता है लिंग्विस्ट। तो अपने 10 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, आगे चलते हैं अपना जो 11वां क्वेश्चन है उस 11वें क्वेश्चन की ओर। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट में दीजिए, सभी सभी व्यक्ति सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिए। थिस्ट भी, नीतू बोल रही है थिस्ट भी, थिस्ट क्या होता है नीतू, मैंने क्लास में लिखवाया भी था। वन हु बिलीव इन गॉड, यानी कि जो भगवान पे विश्वास करता हो आस्ती को, उसे बोला जाता है थिस्ट। तो इसको भी देख लो भाई एक बार, नीतू ने बोला है तो आप इसको भी देख लो, नीतू ने बोला है थिस्ट के बारे में तो आप इसको देख लो, थिस्ट को देख लो। थिस्ट होता है वन हु बिलीव इन गॉड, जो भगवान पे विश्वास करता हो, और थिस्ट का जस्ट अपोजिट होगा, एंटोनिम्स क्या होगा, एथिस्ट होगा भाई, क्या होगा, एथिस्ट होगा, एथिस्ट होगा। एथिस्ट क्या होता है, वन हु डोंट, वन हु डोंट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पे विश्वास ना करता हो उसको क्या बोला जाता है, एथिस्ट बोला जाता है। तो इन दोनों को भी भाई ध्यान से देखना, इन दोनों क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखना, और लिंग्विस्ट को भी ध्यान से देखना, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, अपना जो आंसर था लेक्सिकोग्राफर। तो चलते हैं अपना जो 11वां क्वेश्चन है इस 11वें क्वेश्चन की ओर चलिए, अपना जो 11वां क्वेश्चन है इस 11वें क्वेश्चन की ओर चलिए। ए टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए।
जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए, मैं आपका कमेंट बॉक्स चेक करता हूँ कि उसमें किस किस का आंसर आता है। 11वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए भाई, जल्दी से आंसर दीजिए। अभी तक आंसर नहीं आया किसी भी स्टूडेंट का, अभी तक किसी भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया, तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। अभी तक आंसर नहीं आया किसी भी स्टूडेंट का, तो देखिए जो अपना 11वां क्वेश्चन है, ए टेस्ट इन विच सेल्स, जिसके अंदर कोशिकाओं का, इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड और ऑर्गन्स, डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, यानी कि ए टेस्ट, यानी कि एक परीक्षण जिसके अंदर जो अपने क्या सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड यानी कि ऑर्गन्स, यानी कि डिजीज्ड ऑर्गन्स यानी कि जो अपने अंगों की जो डिजीज होती है उसको चेक किया जाता है, और उसको क्या उन ऑर्गन्स को ही हटा दिया जाता है एंड टेस्टेड, और उनको क्या उनका परीक्षण किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है। तो आप सभी ध्यान रखना, उस टेस्ट को क्या बोला जाता है, उस टेस्ट को बोला जाता है बायोप्सी बोला जाता है। तो आंसर नंबर 1 अपना सही होने वाला है, सिवाना 2 गलत था, ऑटोप्सी गलत था, बायोप्सी आंसर है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए जल्दी से, और आपका जो होमवर्क रहने वाला है, आपका जो होमवर्क रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 के जितने भी ऑप्शन बचे हैं, इनको क्या इनको समझ के आना है, इनको देख के आना है कि यह है क्या चीज, वैसे तो नहीं तो आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे घर पे। तो इसका आंसर था बायोप्सी, क्वेश्चन नंबर 12। ए फॉरेनर हु सेटल्स इन ए कंट्री, क्लास में भी क्वेश्चन करवाया था, ऑफलाइन क्लास में सीईटी बैच को करवा दिया, एसएससी वालों को करवा दिया। तो इनको देखिए भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आपको मैं बता दूं, आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी, ओनली एक ही क्वेश्चन की ट्रिक थी मेरे पास, और एक ही क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। तो जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। सिवाना का आंसर आ चुका है, इन ए कंट्री एक आंसर आ चुका है, फर्स्ट आंसर आ चुका है। तो देखिए एम्पुटेशन क्या होता है सुनीता, तो देखिए चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की ओर, पहले इस क्वेश्चन को देखें फिर लास्ट में चेक करते हैं एम्पुटेशन का, ठीक है। तो पहले अगर मैं बात करूं जो इमिग्रांट होता है अपना, तो इमिग्रांट होता क्या है, यानी कि वन हु कम फ्रॉम अनोदर अनोदर कंट्री, वन हु कम फ्रॉम अनोदर कंट्री एंड वन हु कम फ्रॉम अनोदर कंट्री एंड सेटल देयर एंड सेटल्ड देयर, यानी कि कोई व्यक्ति जो बाहरी यानी कि फॉरेन कंट्री से आया हो और वहां पर क्या सेटल हो चुका हो, उसको बोला जाता है क्या इमिग्रांट, उसको क्या बोला जाता है इमिग्रांट। तो अपने क्वेश्चन देखिए क्या है, ए फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, यानी कि एक विदेशी जो एक कंट्री में आया हो और वहां पर सेटल हो गया हो, तो इसका आंसर एक होने वाला है। और एमिग्रांट का भी देख लो, एक इंपॉर्टेंट है तो बता देता हूं, यानी कि वन हु एग्जिट टू ए कंट्री, उसको क्या बोला जाता है, यानी कि एक व्यक्ति जो किसी कंट्री को छोड़ता है और दूसरी कंट्री में जाकर वहां पर निवासित हो जाता है, वहां पर सेटल हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है इमिग्रांट बोला जाता है। विजिटर होता है, विजिटर ओनली कुछ समय के लिए घूमने जाता है, यानी कि वहां पर भ्रमण करने जाता है और वापस आ जाता है, उसको बोला जाता है विजिटर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 13, वहां पर चलते हैं क्या होने वाला है। सुनीता माली बोल रही है सीमा हैदर जैसे, बिल्कुल सीमा हैदर, सीमा हैदर इज ए इमिग्रांट, सीमा हैदर इज ए इमिग्रांट पर्सन, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या एग्जाम्पल ढूंढा है भाई सीमा हैदर का, ये तो सभी को याद है सीमा हैदर तो, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, प्लेस देयर प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, यहाँ पर शरणार्थियों को रिफ्यूजी, यानी कि प्रोवाइड्स रिफ्यूजी जहाँ पर क्या, प्लेस देयर प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, रिफ्यूजी जहाँ पर शरणार्थियों को प्रोवाइड्स यानी कि उपलब्ध कराई जाती है। तो देखिए क्या होने वाला है, एजिलम होने वाला है, इसका आंसर क्या होने वाला है एजिलम। एजिलम कंट्री, देखो कंट्री क्या होता है, कोई देश होता है, कोई देश होता है, यानी कि एक भूमि का बड़ा सा पार्ट होता है
जिसके अंदर व्यक्ति निवास करते हैं और जिसका नॉमिनेशन हो चुका हो, वो होता है कंट्री हाउस। एक घर होता है जिसके अंदर कुछ लिमिटेशंस, यानी कि एक फैमिली रहती है, और शेल्टर होता है, खुद शरणार्थी होता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? एजिलम। और अगर चले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, तो ए पर्सन हु गैम्बल्स और बैट्स, ए पर्सन हु गैम्बल्स और बैट्स, क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी से आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में चेक करता हूँ भाई, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कमेंट में चेक कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में क्या आंसर रहने वाला है सभी का, चेक करता हूँ एक बार। जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन आंसर नंबर 4 आ चुका है। आंसर नंबर 4, क्लाइंट। नहीं, क्लाइंट नहीं बोलते, कस्टमर ग्राहक को बोलते हैं। बेकर नहीं होगा, इसका आंसर होगा फंटर। आंसर क्या होगा? फंटर। और क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है? वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर होने वाला है इनफेलिबल। इसका आंसर होने वाला है इनफेलिबल। अपना भी क्लास का टाइम हो गया, जो नेक्स्ट क्लास है वो होने वाली है, 1 घंटे की क्लास हो गई अपनी। और एक क्वेश्चन था एम्पुटेशन के लिए, बोल रही थी सुनीता, एम्पुटेशन, सुनीता बोल रही थी एम्पुटेशन। तो एम्पुटेशन होता क्या है? एम्पुटेशन होता है लॉस और रिमूवल पार्ट ऑफ बॉडी, और रिमूवल पार्ट ऑफ बॉडी, तो ये होता है एम्पुटेशन। सुनीता देख लेना एम्पुटेशन क्या होता है, एम्पुटेशन सुनीता ध्यान से देखना, और सभी स्टूडेंट्स देख लेना इसको भी, एम्पुटेशन को भी। लॉस और रिमूवल पार्ट ऑफ बॉडी होता है भाई एम्पुटेशन, यानी कि किसी भी बॉडी के पार्ट को क्या करना, लॉस करना है, उसको खो देना। और रिमूवल पार्ट यानी कि और उसको रिमूव कर देना जो पार्ट होता है, वो क्या कहलाता है? एम्पुटेशन कहलाता है। ठीक है, तो आज की जो अपनी इंग्लिश की क्लास है यही पे समाप्त होने वाली है। और हाँ, एक क्वेश्चन था आपका, आपका एक क्वेश्चन था जो कल वाला क्वेश्चन था, सभी पहले उसको देखो, कल वाला जो लास्ट पीडीएफ का जो लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर एक बार सभी देखना क्या होने वाला है। और एक क्वेश्चन जो क्लास में बोला गया था कि सही इसमें कुछ डाउट था, तो वो डाउट क्लियर कर दूं मैं आपको, कि अपना जो एक्टिव वॉइस था, उस एक्टिव वॉइस के अंदर, एक्टिव वॉइस से पहले तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था, जो अपना लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन था कल की क्लास का, और उसके अंदर बोल रहे थे कि सर इसके अंदर चिल्ड्रन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? चिल्ड्रन आना चाहिए अपने इसके अंदर जो सब्जेक्ट था वो। लेकिन मैंने सब्जेक्ट क्या माना वहां पर? जू माना। क्यों माना? उसका रीजन बता दूं मैं आपको, कि वहां पर अपने को टू प्रीपोजिशन दिया गया था। क्या? टू प्रीपोजिशन दिया गया था। और प्रीपोजिशन होता है ये जस्ट अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है? जस्ट अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, चाहे नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो। अगर प्रोनाउन दिया गया है और आपको एरर पूछ ले और उसका सब्जेक्टिव केस दिया गया है, तो उसको किस में चेंज करना है? उसके ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना है। अभी किसी का क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर यदि यहाँ पर अपने को एरर दिया गया हो, क्या अगर प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में, प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में अगर अपने को कोई वर्ब दी गई हो, और आप मेरे को पूछो कि सर वर्ब दी गई है यहाँ पे, तो नाउन और प्रोनाउन अब कैसे बनेगा? तो मैं आप सभी को बता दूं, कोई भी वर्ब दी गई हो और उसके जस्ट पहले अगर प्रीपोजिशन हो, तो उसके अंदर वर्ब की यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगा दो, जिससे वो आपकी किस में चेंज हो जाएगी? जीरंड में चेंज हो जाएगी। और जो जीरंड होता है एज ए नाउन बिहेव करता है, किसके तरफ? एज ए नाउन बिहेव करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट था कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा ये वाला, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। और एकेडमिक्स वाले भी अगर कोई जुड़े हो तो वो भी ध्यान रखना भाई इसको। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैं आगे बुलाना चाहता हूँ अपने जो रामचरण जी सर है, जो आपको जीके की क्लास करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए। क्या हाल है? राम राम कर ले भाई, सबड़ा एक बार जी। पूर्व स्थिति
हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। थोड़ी सी तबीयत ऐसे ही है। ऐसी तो क्या है, वो काल वाली खीर को असर से जो खीर थोड़ी पचपम ना आ रही है ना, लेकिन गड़ो ठीक था आज। ठीक है, तो एक बार रामासमा कर ला। कौन कौन रामासमा कर रहे थे? मनीष कह रहे राम राम गुरु जी, तो राम राम भैया, राम राम, राम राम रामासमा, राधे राधे दो नंबरी भाई दो। अरे दो नंबरी, राधे 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 राधे। ओके, सुनीता माली, राम राम, राम राम सा, राम राम सा। निकिता सिनी, हेलो बेटा, हेलो। जीतराम बेरवा, राम राम गुरु जी, राम राम जी। अनामिका, मस्त ताल से, बिल्कुल बहुत बढ़िया हाल होनी चाहिए बेटा अनामिका। निकिता, राम राम बेटा, राम राम। पायल बेरवा पीनी, जय माता जी की। बेटा 8 बजे बाद में हो ना? हाँ, तो सही टाइम से, सही टाइम पर माता जी की करिए, तो जय माता जी की सा। दो नंबरी बी, अच्छा उत्तर भी आ गया। मनराज, वेरी गुड इवनिंग बेटा। यार ते छोरा झूठ ला यार, यार रुकते मत कह करो, यो कोई बात थी मैं तो आल दे क्यों ही कौन था ने उत्तर दियो, और पहली उत्तर दे रहे हैं। देखो, रामदेव जी के भक्तों को क्या कहा जाता है, मतलब कि कौन से गीत गाते हैं? कव्वाली, पवाड़े, ब्यावले, या इनमें से कोई नहीं? कौन से गीत गाते हैं? कव्वाली तो देखो जो सूफी संत होते हैं ना मुसलमानों के, वो गाते हैं, आपको पता है ना। पवाड़े होते हैं वो बाबू जी के भक्त गाते हैं, बाबू जी के भक्त गाते हैं। अच्छा मनीष बता दे कि बाबू जी के भक्त जो पवाड़ी गाते हैं वो किस वाद्य यंत्र के साथ में गाते हैं? बताओ सबके सब बच्चे बताओ, किस वाद्य यंत्र के साथ में बाबू जी के पवाड़े गाए जाते हैं? ब्यावले, ये उत्तर सही है आपका, सी आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। अशोक गोटवाल सही है बेटा, बेरू प्रकाश बिल्कुल सही है बेटा, जीतराम बेरवा बिल्कुल, बेरू प्रताप ओके, पायल बेरवा पीननी तू सही है बेटा, खुशबू भाटिया बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। अच्छा जी, हमारी आवाज बहुत, हमारी आवाज सच बताऊं फटे स्पीकर जाने की, हमें तो बुला ही कौन गुरु जी। अच्छा बुलाया ही कौन है? तू खड़े जो तू आर तो खड़े, कोई बात को ना, खीर की तो अच्छी खुआ देना, अच्छी टेंशन लियो। अनामिका बिल्कुल शाबाश बेटा, चलो एक बार सेशन ने शेयर कर दो ना यार, बिल्कुल आधा ही गया, कहीं बात आएगी, कहीं समस्या हुई, 40-50 सीधा 15-20। एक बार सबला सेशन में शेयर कर दियो ना, जितना भी भाई लोग से सबला जुड़ जाओ। सर पापा भी है? अच्छा पापा भी से बेटा, नमस्कार पापा जी, राम राम सा, कम्मा गणी, ओके 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 ओके। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में ना, अनामिका झूठ बोल रही चे है। पवाड़ी किस, देखो देख अड़ीन, देखो जो पाबूजी होते हैं, पाबूजी, पाबूजी के दो चीजें हैं, एक तो है फड़े, है ना, एक तो है फड़े और दूसरी से पवाड़ा, पवाड़ी, पवाड़ी यानी कि भजन, सिंपल बात हम समझो तो भजन। अब एक बात समझियो, जो फड़न गाओ ना वो तो रावणत्ता वाद्य यंत्र के साथ में, बोपार बोपी गाज तो बेकश वाद्य यंत्र के साथ में, रावणत्ता वाद्य यंत्र के साथ में, और जो पवाड़े होते हैं वो माट वाद्य यंत्र के साथ में गाया जाता है। किसके साथ में गाया जाता है? माट वाद्य यंत्र के साथ में, ये बताया था मैंने आपको। और ये देखो रावणत्ता के साथ में खुशबू क्या ना बेटा, है ना, मांड नहीं है, हाँ दो नंबरी सही बता रहे, माट वाद्य यंत्र के साथ में बिल्कुल, कौन सा हो जाएगा ये तो ठीक है बेटा। ठीक है अगला आ जाओ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना माट वाद्य यंत्र के साथ में। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ, मुसलमानों के लोक देवताओं को क्या कहा जाता है? गरीब नवाज, पीर, उपयुक्त, ये एक या दो या इनमें से कोई नहीं? तो देखो मुसलमानों के जो पीर होते हैं, लोक देवता होते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज, ये तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बोलते हैं जो अजमेर में अपनी कर्मस्थली चुने बैठे हैं, तो ये ख्वाजा गरीब नवाज हो गए। इनको उत्तर क्या हो जाएगा? पीर, ये आपको सब बता दोगे ये तो, कीसठ ओके, है ना, बपंग ना 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 बपंग है मनी, सुनीता कडू कडू कर देते, राजेश प्रजापत सर सी ओके बिल्कुल। अच्छा बी इसका उत्तर बताओ, देखिए एक बार इसका उत्तर बता दो सर पापा, ओके बेटा है ना, पायल बेटा है ना, पापा जी भी बताएंगे ठीक है, जीतराम जी ओके, इसमें से कौन सा हो जाएगा? पीर हो जाएगा बेटा। गरीब नवाज तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बोलते हैं, गरीब नवाज किसको बोलते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बोलते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, जो लोक देवता उनको पीर बोलते हैं, है ना, पीर की मजार पर बोला जाए ना, पीर की मजार, मजार मतलब कि दरगाह, जो वहां पे समाधि होती है ना उसको मजार बोलते हैं, है ना, पीर की मजार पर वो क्या चादर चढ़ा क्या आते हैं,
तो वैसे आपके गांव में नहीं है क्या, हरी हरी चादर बचाते हैं, एक डूम सा होता है उसके ऊपर। पोखरण में कुख्यात भैरव के प्रबल उत्पादों का समूल विनाश किया था। बेरू रागस ने कुण मारे जो सिंपल बात समझ पहुंच रहे थे के बेरुला को कुण नाश करे जो। रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी या बूरिया बाबा, किसने किया था? राधे राधे सर, राधे राधे बेटा, नहीं तो कुशबू बाटिया बिल्कुल सही है। अच्छा उसमें बता रहे हो, पिछले में बता रहे हो, बी सही है, नीतू बी सही है, जीतराम बी सही है, नित्या जहांगीर बिल्कुल सही है। एक बार बैठो आप, मुझे लगता है आप पीछे चल रहे हो, पीछे मत चलो, बराबर चलो इसके, है ना? एक बार आगे दो तीन बार जल्दी जल्दी करो। ओके ठीक है, ओके ओके ओके, सीमा गोठवाल एके, ओके हाँ। तो किसने मारा था बाबू बेरू को? रामदेव जी ने, है ना? बेरू रागस का सत्यानाश किसने किया था? इसने। और इसको वचन दिया था कि भाई जो घी की चराकी करेगा या घी की धूप करेगा वो तो आएगा मेरे, और जो आदमी तेल का दिया जलाएगा तो वो किसके पास में जाएगा? तेरी आराधना में जाएगा। यदि 1 लाख से ज्यादा आदमी आया मारा मेला कमाए, मारवाड़ का कुंभ में रामदेवरा कमाए ने, तो 1 लाख पर एक आदमी तुका जी, 1 लाख पर एक आदमी तुका जी, तो यो रामदेव जी किया जा। राम सा पीर तारी, है ना? रामा सा पीर, अजमल गर अवतार, मेणा देरा लाल, नेतल रा बरतार। सर्प दंश का इलाज के लिए कौन से देवता को पूजे जाते हैं? सर्प दंश मतलब कि सांप का क्यों कुण कैसे देवता कन जावला? गोगा जी कन, पाबू जी कन, रामदेव जी कन या हड़बू जी कन, किस लोक देवता के पास में जाते हैं यदि सर्प दंश हो गया तो? रामदेव बिल्कुल सही है, खुशबू बाटिया बिल्कुल सही है, सचिन सैनी बिल्कुल सही है, नित्या जहांगीर ओके, रामदेव, पायल बेरवा बिल्कुल, शाबाश बेटा पायल ओके, राजेश प्रजापत जी बिल्कुल, अनामिका मेनकेश बेरवा जी बिल्कुल सही है, रामदेव जी बन्नी में ओके सही है सही है सही है सही है सही है, होगा जी नहीं है सुनीता, गोगा जी होगा जी नहीं है, ठीक है तो उत्तर क्या हो जाएगा? गोगा जी सर्प रक्षक देवता, सर्प रक्षक देवता। माँ का नाम, पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह। पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह, गोगा सिंह चौहान। माता का नाम क्या था? बाछल। मौसी का नाम क्या था? काछल। मौसी का नाम क्या था? काछल। दो भाई थे अर्जन और सर्जन, अर्जन और सर्जन, और इनके खिलाफ युद्ध करते हुए मारे गए थे। किसी ने इनको जाहिर पीर कहा था। साक्षात देवता लड़ रहा है भाई साहब, साक्षात देवता लड़ रहा है। डोकरा 79 साल की उम्र का मायने 47 बेटा बेटी पैदा कर और युद्ध लड़े जो, और नाड़ कटियाबाद के मायने भी युद्ध लड़े जो, तो कहे जाओ लो जाहिर पीर साक्षात देवता। किसने कहा था? मोहम्मद गजनवी ने कहा था, महमूद गजनवी। सर ए होगा, बिल्कुल सही है बेटा, ए आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। अरे सर ए होगा ये बोली, हाँ जी होगा, अच्छा ए होगा, मैं भाई गोगा, ठीक है बेटा। अगला देखो, पंच पीरों में शामिल नहीं है। देखो मैंने ऑफलाइन क्लास में कहा था यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन आएगा तेजा जी, और आपको हर हालत में तेजा जी के टिक लगा के आना है। इसमें से देख लो तेजा जी किस ऑप्शन पे है, बी या सी या डी में? डी में है, तेजा जी नहीं है, हाँ ना? देखो एक अपने दोहा भी है, पाबू हड़बू राम दे, पाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा, मांगलिया मेहा, पाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पदार जो गोगा जी जया, पांचों पीर पदार जो, पदार जो गोगा जी जेहा, गोगा जी जेहा। लो जी भाई साहब ये आपका पांचों पीर आ गया, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी मांगलिया, और चार हो गया, और ये गोगा जी, पांच हो गया। तो पांचों पीर पदार जो गोगा जी जेहा, ठीक है हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? तेजा जी नहीं है, देख लो इसमें से, बाकी रामदेव जी है, हड़बू जी है, गोगा जी है। आपका उत्तर क्या होना चाहिए? डी आप लोगों का सही उत्तर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बताओ देंगे, ठीक है? तेजा जी बिल्कुल शाबाश है, कृष्ण अवतार योगी बिल्कुल शाबाश बेटा, खुशबू बाटिया बिल्कुल सही है ओके, जीतराम कृष्ण, सीमा कुमारी, अनामिका, राजेश प्रजापत, खुशबू, सुनीता, नित्या, नीतू, सबका सही है ओके शाबाश, ठीक है। अगले में आ जाओ,
अगले में आ जाओ। देखिए, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल रा बरतार, मारो हेलो सुनो रामा पीर जी, है ना, माता मैणा देरा लाल, अजमल रब है ना, अजमल जीरा कंवरा, राम सा पीर, है ना। तो ये किसके लिए गीत किसके लिए गाया जाता है? हड़बूजी के लिए गाया जाता है, बाबू जी के लिए गाया जाता है, रामदेव जी के लिए गाया जाता है, या तेजा जी के लिए गाया जाता है? कौन के लिए गाओ जी, है ना, माता मैणा देरा लाल, रानी नेतल रा बरतार, मारो हेलो सुनो रामा पीर जी, रामदेव जी। मनीष का उत्तर आ गया है, जीतराम जी का भी उत्तर आ गया है, ठीक है, नीतू निकिता सीमा बिल्कुल सबका सही है, पायल बेरवा का बिल्कुल बेटा सही है, बेटा पायल, खुशबू का सही आ रहा है, जीतराम का, राजेश प्रजापत, कृष्ण मुकेश बेरवा, राम राम सर जी बिल्कुल, राम राम भाई, ओके ओके, रामदेव जी, रामदेव जी, अनामिका बिल्कुल शाबाश। उत्तर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे आते हैं उत्तर तो, है ना, ठीक है। अगला देखो, अगले में देखो, नेजा है, नेजा क्या है, नेजा किसे कहते हैं? रामदेव जी का पचरंगी पताका, पताका यानी होता है झंडा, पताका यानी क्या होता है? झंडा। निशानी का मतलब भी होता है झंडा, निशानी का मतलब भी क्या होता है? झंडा। तो देखो, पांच रंगों वाला जो पताका होता है उसको बोलते हैं, तलवार के समान एक आयुध एक हथियार होता है, देवता का जो चढ़ाओ चढ़ाओ जहां बिना नेजो के हो जाए, या मंदिर का जो गर्भ गृह होता है जहां पे मूर्ति रखी जाती है उसको कहा जाता है, बताओ नेजो कान के हो जाए, पग पग नेजा फाड़िया, पग पग बाडी डाल, बीबी पूछे खान स्यू जग कित्ता जगमाल, बताओ क्या है? सबका सही होगा, झंडे को बिल्कुल, सीमा कुमारी ए ए ए ए ए बिल्कुल, कृष्ण अनामिका, खुशबू नित्या, खुशबू ओके, पायल बिल्कुल शाबाश, कृष्ण उतारी होगी, ओके, सबका सही उत्तर हो जाएगा। रामदेव जी के झंडे को क्या कहा जाता है? पचरंगी झंडा होता है ना, और इसको कहा जाता है नेजा, क्या कहा जाता है? नेजा। अच्छा, गीतों को क्या कहते हैं? गीतों को कहते हैं ब्यावला, क्या बोलते हैं? ब्यावला। अच्छा, घोड़ी का नाम क्या है? घोड़ी का नाम है लीलो, घोड़े का नाम है लीलो। और जो पंत था कामड़िया, रामदेव जी का पंत क्या था? कामड़िया। तो ये आपका उत्तर हो गया। लोक देवताओं का कौन सा युग में बालीनाथ जी के शिष्य थे, मतलब कि दो बालीनाथ जी के शिष्य थे, एक का तो पता है रामदेव जी, है ना, आपको पता है रामदेव जी। अच्छा, बालीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? मसूरिया पहाड़ी पर। अच्छा, मसूरिया पहाड़ी कटे जे जोधपुर में, कटे जे जोधपुर में, है ना। अब बताओ कसो दूसरे देव तो, देखो पहली बात तो जो कमाने रामदेव जी को ने भी नटाओ, एक मायने देव जी रामदेव जी को ने, है ना, एक मायने, बाकी तीन में से मल्लीनाथ जी, हड़बू जी या तेजा जी, कुण चो आको गुरु, कुण चेलो जो बालीनाथ जी को, ए मल्लीनाथ जी, ए सुनीता ओ की करी दी है वाली तू, वाह सर। अच्छा, पायल बेरवा, ना 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 ना, हड़बूजी, हड़बूजी थे, ठीक है, बी आंसर होगा आप सब लोगों का, हड़बूजी मोसेरे भाई थे रामदेव जी के, है ना, रामदेव जी के मोसेरे भाई थे हड़बूजी, ठीक है। बाप जल्दी उम्र के मायने मर गयो, जो हड़बूजी को जार संन्यास धारण कर लियो, रामदेव जी जार समझा रहे कि निकम्मा, बाप ही तो मरियो जे, समझा जा बात ने कि बाप मर जा ने तो छत उठ जा जब सिर पर, जो बहुत बड़ी बात से, लेकिन इको मतलब यो थोड़ी जगह जीबो ही छोड़ दे लो बेटा, चाल समाज में चाल, नराक लोग अंतारी जरूरत से इन्हें फिर शिक्षा दीक्षा दिया रामदेव जी, है ना, रामदेव जी ने अड़बू जी कहे थे कि यार मन तो फिर ऐसा की बात करबो ही ना, फिर मैं का करूं, कि देख भाई मैं तो कोचिंग लियो सो बालीनाथ जी को, तू भी ट्यूशन ले ले। तो फिर हड़बूजी भी किया बालीनाथ जी कन, और बालीनाथ जी कन जा और फिर कोचिंग लिया, 3,000 की BSTC कोचिंग किया, और BSTC की कोचिंग कर, और फिर ये भी लोक देवता बन गया। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हड़बूजी और रामदेव जी, बिल्कुल शाबाश। सुनीता, पायल, जीतराम, ओके सबका सही है, खुशबू, कृष्ण अवतारी होगी, शाबाश। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, जाहर पीर के नाम से कौन जाना जाता है लोक देवता? हड़बू जी, गोगा जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, है ना,
केजड़ी को पेड़ रहे केजड़ी को पेड़ उंदेड़ा को मैंने जारते भी की छाया में बैठा है ना। फिर एक खाडो सीख दिखे जे बी खाडे का मैंने ते कीड़ी पटके जा भाई कीड़ी नाचे से एक कीड़ो निकले जो उठर ते बिन कहीं क्यों जे गो गो कहीं क्यों जे गो गो गाँव गाँव केजड़ी गाँव गाँव गो गो। तो जाहिर पीर भी किसे कहा जाएगा इसी को। जाहिर पीर का मतलब होता है साक्षात देवता। क्या होता है? साक्षात देवता। किसने कहा था? महमूद गजनवी ने कहा था। किसने कहा था? महमूद गजनवी ने कहा था ये बात। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गोगा जी बी आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। जीतराम बेरवा, नीतू, कृष्णन, कार्तिक, प्रजापत, बिल्कुल शाबाश। अंजना बिल्कुल ठीक है, ओके। जीतराम ओके। सीमा कुमारी, खुशबू भाटिया, बिल्कुल शाबाश है। ठीक है, गांव गांव गो गो, गांव गांव केजड़ी, गांव गांव कोगो गो गो। नित्या जांगिल बिल्कुल शाबाश, नित्या पायल बिल्कुल शाबाश है। गोगा है ना, जाहिर पीर, 89 साल की उम्र में कोई डोकरा लड़ रहा है। और बड़ी बात यह है कि गर्दन कटने के बाद में भी लड़ रहा है, बहुत बड़ी बात थी है ना। पापू जी की घोड़ी का नाम क्या था बता दो? पापू जी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर का आलमी, सुरसरी, सिंगारी, लीलन। है ना, एक भजन सुने डाला, लीलन मारी जाय जे जाय जे गढ़खर नाले देश। है ना, लीलन जाय जे जाय जे गढ़खर नाले देश। तो लीलन तो वो तेजा जी को, सिंगारी भी इन्हीं की हो जाए, तो ए दोनों ऑप्शन तो काटो। सुरसरी तो गांव को, सुरसराव को गांव से अडिन सुरसरियो, तो क्या नाम था? केसर कालमी। अच्छा, ये वाकई में गोड़ी किसकी थी? देवल चारण की, देवल चारणी की थी ये। किसकी थी? देवल चारणी की थी। और इसी को बचाने के चक्कर में पाबूजी तीन फेरों में से उठ के आ गए थे। कितने फेरों में से? तीन फेरों में से उठ के आ गए थे और देश के काम में आ गए, बाद में लोक देवता बने और इसलिए गो रक्षक देवता के रूप में पूजे गए। गो रक्षक देवता के रूप में पूजे गए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? केसर कालमी। क्या हो जाएगा? केसर कालमी बिल्कुल सही है। कार्तिक, कृष्ण अवतार, जीतराम, नित्या बिल्कुल सही है, खुशबू भाटिया, अंजना सही है बेटा, जीतराम बेरवा सही है बेटा, ओके। सीमा, कृष्ण बिल्कुल सही है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए आप लोगों का ए उत्तर हो जाएगा। लो जी भाई, ए उत्तर सही है आपका। ठीक है, आगा जाओ देखे है ना, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहीं से? ददरेवा और गोगा मेड़ी के बाद देखो एग्जामिनर को लेवल। ददरेवा गोगा मेड़ी के बाद में गोगा जी का तीसरा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। खुद ही बता रहे कि दो तो ये छे, एक तो ददरेवा से, एक गोगा मेड़ी से, तीसरो से गोगा जी की ओल्डी। तन यो बतानी से कि गोगा जी की ओल्डी कटे जे, कटे जे गोगा जी की ओल्डी कटे जे, सातचौर में, सुरसुरा में, देचू में, या कोल्लू मंड का मायने गोगा जी की ओल्डी कहां पे है ये बताओ। देखो इसको जहां पर भी है इसको राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। दूसरा, खिलेरियों की डाणी में, कहां पे? खिलेरियों की डाणी में, खिलेरियों की डाणी में। दूसरी बात, तीसरी बात, ओल्डी किसे कहते हैं? ओल्डी आपने कोई कमरो हो ना, पुरानो कमरो, कमरो नहीं साल है ना, कमरो नहीं साल, जो पुरानी साल है उसे गुड्डा यानी कि मायने बड़ेली सी, मतलब कि दन में भी जबान डर लागे से ना, बिन बोले तो ओल्डी। गोगा जी की एक ओल्डी जे, अब थान बतानी से खड़े जे। ठीक है, नीतू सही बता रही जे, कृष्ण अवतारी होगी, राम राम अशोक बेटा, राम राम भाई, राम राम सचिन, अरे सचिन जा बेटी का बाप, ए थारी ओ काई कर दियो। अशोक गोटवाल सातचौर जालौर में बिल्कुल सही है, सचिन सही है, सीमा कुमारी बिल्कुल शाबाश, जीतराम बेरवा बिल्कुल सही है, नित्या जांगिर सही है, ओके। सबका सबका सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल शानदार। देखो राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सातचौर को। किलेरियों की डाणी कहाँ पे है? सातचौर में। ओल्डी किसे कहते हैं? जो पुरानी साल हो जे। ददरेवा कहाँ पे है? चूरू में से गुरु जी, खड़े से चूरू में। गोगा मेड़ी कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में से गुरु जी, खड़े से हनुमानगढ़ में। और दोनों जगह मेला लगता है गोगा नवमी को। कहाँ पे लगता है? गोगा नवमी को। गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी आती है। चलो जी अगला क्वेश्चन संभालो आप। रानी सती का मंदिर है,
और वो मंदिर कहां पे, किस जिले में? ठीक है, अंजलि प्रजापति, वेरी गुड इवनिंग बेटा जी, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, अब तो रानी सती का मेला, देखो रानी सती, दादी सती भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? दादी सती भी कहते हैं। ठीक है, इसके जो असली नाम था वो था नारायणी देवी। क्या नाम था? नारायणी देवी। अच्छा, पति का नाम क्या था? तन धन दास अग्रवाल। क्या नाम था? तन धन दास अग्रवाल। इसके साथ में सती हुई और मर गई। बाद में देखो ये यहाँ पे सती अमावस्या को, कब? सती अमावस्या को मेला लगता है। अच्छा, सती अमावस्या कब आती है? भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को ये आती है। ठीक है, मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। अब ये बताना है कि मेला कहाँ पे पड़ता है? झुंझुनू में। कहाँ पे पड़ेगा? झुंझुनू में। आपका डी आप लोगों का सही होगा। अशोक ना, गलत है बेटा। नीतू गलत है बेटा। अनामिका सही बता रही है। नित्या गलत है बेटा। सर रानी सती कौन थी? अच्छा बताता हूँ बेटा, सीमा कुमारी गलत है बेटा, जीतराम गलत है, अशोक बिल्कुल शाबाश बेटा। देखो डी झुंझुनू में कहां पे पड़ता है? झुंझुनू में। देखो एक बाणियों सो बाणियों, कौन सो बाणियों सो बाणियों को नाम सो तनधन दास अग्रवाल। बी के पास में गोड़ो जो, वो गोड़ो जो बहुत प्यारो अरबी नस्ल को शानदार सो सफेद जग गोड़ो, बड़ा का राजकुमार ने पसंद आई हो। बाणियों मना कर दियो कि भाई पीसा ले जा, तो दूसरो गोड़ो खरीद लिया और गोड़ो न दियो, बहुत जान सो प्यारो जो मारो इगोल्ट हो गयो। तनधन दास प्रण भाई गयो नारायणी देवी ने, झुंझुनू का मायने जंगला मोर आ रहा। अड्डा भाई साहब वो जो राजकुमार से वो अटैक कर दियो, पूरी सेना मर गई, बराती सब पूरा मर गया, तंदन दास भी मर गयो, नारायणी देवन गुस्सा हो पूरी सेना ने मार दी, और बाद में तंदन दास के साथ में सती होगी। सती कड़ो हुई झुंझुनू का मायने। बड़े आज का दिन जी दिन सती हुई जी, भाद्रपद कृष्ण पूर्णिमा अमावस्या ने, बड़े ई दिन मेलो लागे जे झुंझुनू का मायने। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी उदयपुर वाटी झुंझुनू, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला बताओ, राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? ऊंट रक्षक देवता कौन है? सिंपल सी बात में, ऊंट रक्षक देवता कौन है? तीन जाति है, रायका, रेबारी और देवासी। रायका, रेबारी और देवासी, ये तीनों जातियां ऊंट पालक जनजातियां, ऊंट पालक जातियां, और इनके इष्ट देवता है वो कौन है? वो भी एक है जो ऊंट रक्षक देवता है, यही गो रक्षक देवता भी है, गो रक्षक देवता भी है, यही शरणागत रक्षक देवता भी है। ठीक है, शरणागत रक्षक देवता भी है, यही इनका जन्म कोलुमंड में हुआ था। कहां पे हुआ था? कोलुमंड में हुआ था। ठीक है जी, इसके पिता का नाम था दांदल जी, पिताजी का नाम क्या था? दांदल जी। और माता का नाम क्या था? माता का नाम कमला दे। तो गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी या केसरिया कुंवर, बताओ देखिए कौन सा हो जाएगा? सी बिल्कुल सही है। जीतराम जी, नीतू, कृष्ण अवतार, सुमन, ओके, मनीषा जाटवा बिल्कुल शाबाश बेटा, खुशबू भाटिया, मुकेश, ओके, पायल बेरवा बिल्कुल शाबाश 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 शाबाश, ओके ओके, सीमा कुमारी बिल्कुल शाबाश सही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थ्री अशोक मेरेठा बिल्कुल शाबाश बेटा, खुशबू भाटिया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वाह यार मजा कर रहे थे क्या यहाँ से? देखो नित्य जवाब दे रही है, और ये कबड्डी लवर, वाह यार कबड्डी लवर तो अलग ही लिख रहे थे। कमला दे, देखो अशोक अजान का है वो छोरा छोरी, तो उत्तर भी जरूरी है। हाँ मनीष जाटवा बिल्कुल सही है बेटा, मनीष, ओके, सचिन बिल्कुल सही है, कृष्ण अवतार योगी बिल्कुल शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पाबू जी, है ना, कौन सा उत्तर हो जाएगा? पाबू जी आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, गोगा जी की शीर्ष मेड़ी कहां पे? देखो गोगा जी 79 की उम्र में लड़ रहे थे, डोगराव के लड़ रहे थे। ठीक है, बाद में अर्जुन ने उनकी गर्दन काट दी, जहां पे गर्दन गिरी उसको तो सिर मेड़ी या शीर्ष मेड़ी बोलते हैं। लड़ते रहे और बाद में जहां पे दर गिरी उसको दुर मेड़ी बोलते हैं। ठीक है, शीर्ष मेड़ी और दुर मेड़ी, जो शीर्ष मेड़ी है वो तो है चूरू में, और चूरू में कौन सी जगह? ददरेवा में। कहां पे? ददरेवा चूरू में। और ये जो दुर मेड़ी है वो है नोहर में,
नोहर यानी कि गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, ठीक है। अब मेला भरता है कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ददरेवा चूरू, ददरेवा चूरू, ददरेवा चूरू, बिल्कुल। राजेश प्रजापत बिल्कुल शाबाश, कृष्ण अवतार योगी बिल्कुल शाबाश, शाबाश 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 शाबाश, ठीक है। सीमा कुमारी बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। सीमा कुमारी बिल्कुल शाबाश, ओके बिल्कुल सही है बेटा। मुकेश बेरवा जी बिल्कुल, इतनी देर कहाँ गए थे मुकेश बेरवा जी? कृष्ण अवतार योगी बिल्कुल। देखो ददरेवा चूरू में किसी ने डी बताया था, सेंदरिया गांव में तेजा जी को सांप ने डसा था बेटा, है ना। सेंद्रीय गांव में तेजा जी को सांप ने डसा था, बिल्कुल शाबाश है। मनीष जाटवा दो, श्री राम जीतराम बेरवा, नित्या जाएंगे, ठीक है। राजेश प्रजावत बिल्कुल सबका। अरे यार तुम लोगों के लिए तो मजा है ना, मतलब कि तंगा जान की बच्चा मिल जाए तो मास्टर बेफिक्र हो जाते। पापू जी के पवाड़े रेबारी जाति के द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ में गाया जाता है? अभी बताया था मैंने, थोड़ी देर पहले बताया था कि देखो पापू जी है, पापू जी के कुछ तो भजन गाए जाते हैं। क्या गाया जाता है? भजन। इन भजनों को बोलते हैं पवाड़े। क्या बोलते हैं? पवाड़े। दूसरी तरफ फड़ होती है जो सबसे लोकप्रिय फड़ है, जो एक भजन होते हैं वो अलग वाद्य यंत्र के साथ में और फड़ अलग वाद्य यंत्र के साथ में। अब बताओ डेरू आपको पता है? नहीं होगा। जांज पता है? तो डेरू और जांज। तो अब ये बताओ माट और रावणता, इसका जवाब देना है। रावण पवाड़े तो किस वाद्य यंत्र के साथ में गाए जाते हैं और फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ में गाई जाती है, ये बताना है। ओके पवाड़ी, देखो मैं तन कत्ता बार समझाए, क्लास में भी समझाए, जो कंफ्यूज हो ला क्यूज हो ना, कंफ्यूज हो ला। पवाड़े जो होते हैं वो माट वाद्य यंत्र के साथ में गाया जाता है, और जो फड़ होती है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में गाई जाती है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में गाई जाती है। फड़ रावणत्ता वाद्य यंत्र के साथ में, माट भजन या पवाड़ों के साथ में, पवाड़े इसके साथ में। उल्टा सीधा करो, देखो दो अक्षर से फड़ का मायने, माट का मायने दो अक्षर से, ई वास्ता दुनिया को टाको बिड़ाए कोने, ई वास्ता दुनिया को टाको बिड़ाए कोने, आंका दाने का मायने अंतर से, ई वास्ता आंका बजाने का मायने टाको बिड़ा दिया, ठीक है। तो अत्रो ध्यान रख जो, माट का मायने दो अक्षर से, फड़ का मायने दो अक्षर से, ई वास्ता दोनों को टाको न बढ़ाया, मतलब कि जड़े फड़ से बड़े माट कौन है, जड़े माट से बड़े फड़ कौन है, भजन माट वाद्य यंत्र के साथ में। अटक आए पूछ रहे थे पवाड़े, तो आपका उत्तर ए होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ए होना चाहिए था, बिल्कुल ए होना चाहिए था, ठीक है। देखो अब लिंक करना सिखा दिया, अब कंफ्यूज मत होना, इसके अलावा भी फिर भी बाद में कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर बहुत बुरी बात है, ठीक है। खुशबू भाटिया ए है, जितना मेरा बिल्कुल सही है बेटा, नित्य जहांगीर सही है, सुमन बेटा सही है, अनामिका सर जी कंफ्यूजन हो गया था, वो मैंने इसीलिए तो समझाया था, क्लास में भी कहा था कि आप दोनों इन चीजों में कंफ्यूज हो गए, मुझे आपका भविष्य का भी पता है कि आप कहाँ पे जाके उलझने वाले हो, तो जैसे मैं कहता हूँ ना वैसे किया करो आप याद, ठीक है। खुशबू भाटिया टू या बी या टू, ए होगा, ठीक है। अगला देखो, निम्न में से राजस्थान के किस लोक देवता को रेबारी जाति के लोग पूजते हैं, बता दो। इसमें क्या है? देवजी, बूरिया बाबा, पापूजी, आड़बूजी, किस लोक देवता को पूजते हैं बताओ? देवजी को पूजते हैं, बताओ। सी सी सी, हाँ पापूजी को, अभी बताया था ना मैंने। देखो रायका एक, दूसरी रेबारी और देवासी, रायका रेबारी और देवासी, ये तीनों ऊंट पालक जातियां हैं। क्या पालती है? ऊंट पालक जातियां हैं, और इन तीनों के जो इष्ट हैं वो कौन है? गो पाबूजी। कौन है? पाबूजी, ठीक है। पाबूजी श्रीलंका से ऊंट लेके आए थे अपने भतीजी के लिए, तो ऊंट रक्षक देवता भी कौन हो जाएंगे? पाबूजी। और इनके इष्ट देवता भी कौन हो जाएंगे? पाबूजी। तो आपका उत्तर भी क्या हो जाएगा? सी आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। सुमन सही है बेटा, कृष्ण अवतार सही है बेटा, मनीष जाटवा सही है, सीमा कुमारी सही है,
ओके राजेश जी सही है बेटा, खुशबू सही है, ओके सबका सही है, ठीक है, ऐसे ऐसे उत्तर आने चाहिए। ओके अगला देखो, राजस्थान में एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, मतलब कि अपना घर का मैंने कांच टूट जा ना, कांच तो बिन भी फांक दे जा, मूर्ति टूट जा तो बिन भी फांक दे जा, तो एक चीज सीख बन मिले जे, ध्यान रख जो जिंदगी का मायने का आपने काई भी औकात को न टूटिया बाद में तो लोग दनी से न भगवान ने भी बारन फांक दे जे, पगाम लिया आज तो जिंदगी में टूटने को ना कदाड़ भी हिम्मत रांगनी जे, और ते ही चीज सी को एकमात्र खंडित मूर्ति जे जी की पूजा हो जे, आई माता स्वांग्या माता शीतला माता या शिला देवी, ये बताया था मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था, राधे राधे गुरुजी राधे राधे। ओके खाना खा लो सर, ओके जी आ रहे हैं साहब, खाना खाएंगे, ठीक भेज दो यार यूट्यूब पे भेज दो खाना, हाँ लोड कर दो उधर से, राजेश जी शीतला माता, ठीक है कहाँ पे शीतला माता, कब पड़ता है शीतला अष्टमी को, क्या होता है शीतला अष्टमी को यहाँ पे मेला पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है गुरुजी चाकसू में भरे थे, कटे भरे थे चाकसू के मायने, कश्यप जिला में पड़े थे, ए गुरु जी मन ध्यान से चाकसू जयपुर के मायने पड़े थे, अच्छा जी अत्रो ध्यान से चलियो बता शीतला अष्टमी कद दया मनाज भाद्रपद कृष्ण अष्टमी ने मना चे गुरु जी, और कुछ पूछनी छे, हाँ पूछनी छे बता, सवारी कहीं छे, सवारी कहीं छे गदो छे गुरु जी, कौन छे डंकी गदो, अच्छा बता चल पुजारी कौन हो छे पुजारी, गुरु जी ध्यान से पुजारी कुमार जाति के लोग होते हैं, कौन होते हैं कुमार जाति के लोग होते हैं प्रजापति है। और पूछू कब पूछ लो गुरु जी, चल बता एक बार बता काय पूछू ताने, है ना पूछू 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 पूछू, हाँ भोग कहाँ को लागे जे, काहे को लागे जे भोग तो बासियोड़ा को, काहे को लागे जे बासियोड़ा को भोग लागे जी के, ठीक है तो ये इतनी चीजें होगी शीतलाष्टमी को, पलाना डीगड़ा पूंछड़ा, ओके गधों की देवी, हाँ बिल्कुल अच्छा मेला भी लगता है गधों का, सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा कौन सा बता तो दिया बेटा, ठीक है डंकी, ठीक है ऐसा होता है तो पता नहीं क्या क्या हो जाता, बिल्कुल डंकी, ओके 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 सबका सही है, सी 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 सबका सी उत्तर आ रहा है, ठीक है शीतलाष्टमी भाद्रपद कृष्णाष्टमी चाकसू जयपुर में गधों की सवारी पुजारी कुमार जाति के लोग बासोड़ा चेचक रक्षक देवी है, कौन सी है चेचक रक्षक देवी है, शिशु रक्षक देवी है, शिशु रक्षक देवी है मतलब कि बड़बड़ाट हो जा घूमड़े घूमड़े जा तुम माता जी के चल जाओ घूमड़ा मटाए दिल्ली, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं कौन से है? एक ही है लोक देवता ही एक ही है, देखो कितना आसान है, कबीर कदाड़ लोक देवता संत चाहिए तीनों का तीनों संत चा, और ई बंदा की तो पांकड़ी कसकेड़ी और जी बावड़ा संत है पागल संत, शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तारे कौन सी मम्मी, तारी मम्मी भी तो नारी जी, सूरदास बहुत अच्छे आदमी थे, कबीर जी है ना पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी बली पूज काए संसार, सर आप ही क्वेश्चन पूछ रहा हो और आप ही बता रहे हो, वो बेटा आपके प्रतिनिधि बन के पूछ रहा हूं बता रहा हूं सर, बाद में चैत्र हाँ हाँ सॉरी 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 चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है बेटा चैत्र कृष्ण, अरे यार तुम नहीं बताए इतना विश्वास भी मत किया करो मेरे ऊपर, चैत्र कृष्ण अष्टमी को अभी तो गई थी चैत्र कृष्ण, सर इनका मेला चैत्र में भरे जाए थे, हाँ बिल्कुल सही है बेटा अशोक शाबाश बेटा थैंक यू, और भी सीमा कुमारी ए, ठीक है तेजा जी ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है जी आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा ए आप लोगों का सही, तेजा जी एक ही है लोक देवता इनमें तो, और तो सबके सब साधु संन्यासी महात्मा ही है संती है, प्रमुख लोक देवता जिनकी जीवित समाधि ली थी, जिंदा ही बैठ गया था भाई साहब मिट्टी का मायने, कौन है कब ली थी भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ली थी, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ली थी, इस दिन को बाबेरी बीज कहते हैं, क्या बोलते हैं बाबेरी बीज बोलते हैं, ठीक है यहाँ पे इस दिन मेला भरता है, इसको मारवाड़ का कुंभ बोला जाता है, मारवाड़ का कुंभ बोला जाता है, और पूछू तो देखो समाधि एकादशी को ली थी है ना, समाधि कब ली थी एकादशी
दसी को ली थी, 11 को। इनकी बहन थी, उन्होंने एक दिन पहले ले ली थी, 10वीं को। कब ले ली थी? 10वीं को इन्होंने समाधि ले ली थी। राम सा पीर के नाम से, पंच पीर या पीरों के पीर भी कहा जाता है, पीरों के पीर भी कहा जाता है। कौन था? बाबा रामदेव जी थे। गुरु का क्या नाम था? गुरु के नाम था इनके बालीनाथ जी। क्या नाम था? बालीनाथ जी। मुकेश बेरा, बिल्कुल। राजेश जी, सुमन बेटा, बिल्कुल शाबाश है, बिल्कुल। सुमन जीतराम बेरवा, बिल्कुल। मनीष जाटवा, शाबाश। अनामिका, खुशबू, मुकेश। मुकेश यार बी क्यू, गोगो जी नहीं है, जीवित समाधि थोड़ी ली थी। गोगा जी की तो अपने जो मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन, उनके साथ में युद्ध करते हुए मारे गए थे। ये भी लाचा गुजरी की गायों को बचाते हुए मारे गए थे, है ना। और पाबू जी भी तो वो जिंदराव, खुद के जीजाजी थे, जिंदराव की जी, उनके साथ में। हाँ अशोक बेटा, मारे को नोट्स भेजो। बेटा अभी जाके मैं नोट्स भेज दूंगा, एक दो बच्चे डिमांड कर रहे थे, मैं आज हर हाल में नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। लोक देवताओं के पूरे अपने ग्रुप में नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी, नो टेंशन लो। बालीनाथ गुरु थे, बिल्कुल सही है बेटा खुशबू, बालीनाथ जी इनके गुरु थे, और यही हड़बू जी के भी गुरु थे, ठीक है। अगला, केजड़ी का पेड़ संबंधित है किससे है? केजड़ी का पेड़ गोगा जी से, तेजा जी से, पाबू जी से या देव जी से? ये तो आना ही चाहिए। यही हूँ सर, मुकेश। ओके बेटा, सही है। केजड़ी का किससे संबंधित है? गांव गांव केजड़ी, गांव गांव गोगो, गांव गांव केजड़ी, गांव गांव केजड़ी और गांव गांव गोगो, गांव गांव गोगो। तो बताओ कौन सा उत्तर हो जाएगा? ए ए आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ के कृष्ण अवतार, बिल्कुल। राजेश, सीमा कुमारी, नित्या जहांगीर, सुमन बेरवा, बिल्कुल 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 सही है। मनीष, बिल्कुल शाबाश बेटा। अशोक बेरोटा, कृष्ण अवतार योगी, सुमन मेरे को, खुशबू भाटिया, बिल्कुल। सबका सब शानदार जवाब दे रहे हो। अगला जाओ। आज फीलिंग नहीं आ रही, क्या बात है, ये क्या हो गया तेरे को जानी? चलो जा, चल भाई, चल 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 चल, मेरे बच्चे वेट कर रहे थे। ऐसे ना कर यार, नो सिग्नल, ओ तेरी तो, ओ की होयो। ओके, पेन ड्राइव गायब, ऐसे कैसे हट गया? अच्छा जी, रिप्रेस हो गया। लो जी भाई, माँ कहीं से मैं पता कर लेना, है ना। हाँ आ गया, अपना टाण है, आ जाओ। इलो जी की बारात बाड़मेर में निकाली जाती है, कब निकाली जाती है? तीज को, होली को, गणगौर को, दशहरे को, जानते हो ना इल्लो जी, है ना। इल्लो जी को तो नहीं जानते होंगे, होलिका को जानते होंगे। होलिका, होलिका, होलिका का मंगेतर था, पियोन से था। क्या था? पियोन से था, मंगेतर था। रावण ने सगाई कर दी थी अपने भाई की, किसके साथ में? इल्लो जी के बाद में। अरे रावण ने क्या, हिरण्यकश्यप ने, बाद में हिरण्यकश्यप होलिका बल के मर गई, फिर बाद में इलोजी के कोई दूसरा जुगाड़ नहीं बेटा, तो बाद में हिमेश रेशमिया बन गया, निकम्मा कहीं का, और छेड़छाड़ करने लगा, तो बाद में छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है, छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है। और इस दिन, एक दिन इसकी बरात निकाली जाती है बाड़मेर के अंदर। इनको बुखार हो गया सर, इनको बुखार हो गया, किसको हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता? होली के दिन, है ना, होली के दिन बाड़मेर में राज्य करने के लिए। भाई बाण बेटियान मत छेड़े, इमेश रेशमिया जान की टाइप की हरकत मत करे, और तारी बरात निकाल देना, तारा मन की उस निकाल देना, तू जान की बावली हरकत मत करे, न तेरे ठोकला डो पकटर, है ना। तो इल्लो जी की बरात कहाँ पे निकाली जाती है? बाड़मेर में निकाली जाती है। कब निकाली जाती है? होली के ऊपर निकाली जाती है। तो बी आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। डाली बाई सुगना बाई किसकी शिष्या थी? कौन गांजो पीर क्वेश्चन बना? शिष्या नहीं रे, बहन थी, बहन। क्या थी? बहने थी। कौन की थी? गोगा जी की, पाबू जी की, तेजा जी की या रामदेव जी की? कौन की बहना चाहिए, है ना। देखो डाली बाई तो बची, धर्म की बहन थी, है ना, और सुगना बाई सगी बहन थी, सगी बहन थी, ठीक है। बताओ कौन की जी? सबनान पतो से, बच्चों बच्चों जाने से, रामदेव जी की, है ना, रामदेव जी की।
ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ओके, सही है सही है सही है, खुशबू बिल्कुल शायद है। सर त्योहारों के भी नोट्स भेज देना। हाँ सचिन भेज दूंगा बेटा, ठीक है ओके सही है। शाबाश मनीष जाटवा, बिल्कुल नित्या जाएंगे, बिल्कुल सही है बेटा, सही है सही है। अनामिका बिल्कुल सही है, डी आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बैठते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गणगौर के किस देवी देवता की पूजा। गण दो वर्ड है, एक वर्ड है गण, दूसरों से गौर, गण को मतलब होता है शिव और गौर को मतलब होता है पार्वती। क्या होता है? पार्वती। तो देखो गण या गौर शिव और पार्वती की पूजा करते हैं। लड़के इस दिन व्रत करती है, व्रत में कहती है कि चांद कवर सो बीरो दीजे राईसी बोझाई। तो इस दिन लड़कियां अपने लिए अच्छा पति की कामना करती है और अच्छे भाभी की कामना करती है। दुर्भाग्य है कि ना तो अच्छा पति मिलता है और ना ही अच्छी भाभी मिलती है। भाभी तो किसी की अच्छी नहीं होती है, क्रम कोडली होती है सबकी भाभियां। ठीक है, शाबाश शाबाश सीमा कुमारी। ओके 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 ओके, सबका सही है बेटा। अगला क्वेश्चन ना संभालो देगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है संत मावजी का संबंध है जोबनेर से, पिपासर से, खरनाल से या बेणेश्वर से। जोबनेर, संत मावजी, पता आपको सोम, तीन नदियां हैं सोम माही और जाकम, सोम माही और जाकम, इन तीन नदियों पर एक डैम की स्थापना की थी जिसे वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। इसे ही आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ या हरिद्वार, कुंभ या हरिद्वार भी कहते हैं। आदिवासी जो लोग होते हैं ना, ये यहीं पे अपनी स्त्रियों का विसर्जन कर देते हैं। संत माओ जी, ठीक है। माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। क्या भरता है? माघ पूर्णिमा को मेला भरता है इस दिन, ठीक है। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। किसकी पूजा करते हैं? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। अच्छा बताओ कौन सा धाम था? बेणेश्वर धाम। कौन सा धाम था? बेणेश्वर धाम। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अनामिका, पायल बेरवा बिल्कुल शाबाश, नित्य जहांगीर बिल्कुल शाबाश, ओके उदेश माली, नित्य जहांगीर, उदेश बिल्कुल वेलकम बेटा, पहली बार आए हो, ओके नित्य जहांगीर बिल्कुल, सीमा कुमारी बिल्कुल सही है बेटा, सही है सही है सही है सही है सही है सही है, ओके कृष्णा अवतारी होगी बिल्कुल शाबाश। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बेणेश्वर धाम। क्या हो जाएगा? बेणेश्वर धाम। तो चलो जी अगला क्वेश्चन। सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता द्वारा शुरू किया गया था? जम्मो, किसके जागरण को जम्मो कहा जाता है? जम्मो कहते हैं इसके जो झंडा होता है, झंडे को नेजा कहते हैं, जो भजन होते हैं उसको ब्यावले कहा जाता है, ब्यावले कहा जाता है, जो भक्त होते हैं उनको रीकिया कहा जाता है। मंदिर में इसके मूर्ति न पूज के पगले पूजे जाते हैं। क्या पूजे जाते हैं? पगले पूजे जाते हैं, ठीक है। इसको रामसा पीर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रामसा पीर भी कहते हैं। इनको पीरों का पीर भी कहते हैं, पीरों का पीर भी कहते हैं, है ना। इसको सुगना का बीर भी कहते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? रामदेव जी, डी आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। सुमन बेरवा का सही है, कृष्ण अवतार, वाह शाबाश बेटा, ओके नित्या, सुमन, सीमा कुमारी बिल्कुल शाबाश, सही है, ओके 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 ओके। पोर बेटा, पोर का मतलब होता है एफ ओ यू आर, अशोक, एफ ओ यू आर, इतना भी शॉर्टकट मट्टे को यार है? अगला देखो, किस लोक देवता को वान को गधा और पुजारी कुमार होते हैं? अभी बताया था वान गधा होता है और कुमार जाति के लोग इसके भक्त होते हैं। कौन सी लोक देवी है? शीला माता, शीतला माता, कौन सी है? रामदेव जी शाबाश बेटा, राजेश प्रजापत बिल्कुल शाबाश बेटा, खुशबू भाटिया, कृष्ण अवतार, सीमा कुमारी बिल्कुल शाबाश 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 शाबाश। अगला बताओ, अगला बताओ कि कुमार जाति के लोग किसके भक्त होते हैं, पुजारी होते हैं, और गधा किसकी सवारी होता है? पहुंच गए, अब बताओ। सही है,
शीतला माता। कौन है? शीतला माता, शीतला अष्टमी को आता है, बासोड़ा कहते हैं अपन शीतला अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी है ना। पिछली बार मैंने गलत बता दिया था, चैत्र कृष्ण अष्टमी, सही करवा भी तो दिया था मैंने, चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, शीतला माता का वाहन वही गधा है, ठीक है, गधा है, ठीक है जी। अगला देखो क्वेश्चन, देखो मैं ये बार बार, मुझे पता है आप जवाब दे दोगे, फिर भी मैं जबरदस्ती ले रहा हूं क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग डायरेक्शन से पूछता है एग्जामिनर, इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूं कि जो चीज इंपॉर्टेंट है आपके बेजे में घुसनी चाहिए वो चीज, ठीक है। लोक देवी हो गया बात, ओके। सिंधी समाज के द्वारा चेटीचंड का उद्यान, ये बताओ भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना। चेटीचंड का त्योहार कब मनाया जाता है? ठीक है, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, चैत्र शुक्ल द्वितीया, भाद्र शुक्ल अष्टमी, कार्तिक या फाल्गुन अष्टमी। देखो सिंधी समाज में तीन ही त्योहार है, एक तो चेटी चंड, दूसरा है असु चंड, असु चंड, तीसरा है ददड़ी सातम, ददड़ी सातम, ठीक है। अगला है चालीहा महोत्सव, चालीहा महोत्सव, चालीहा महोत्सव, एक चीज समझना, ये तो जो इनका क्या नाम है इनका, चेटीचंड, इनके जो आदि पुरुष हैं, क्या नाम है उनका, उनकी जन्म है ना, अभी याद आ जाएगा, इनकी मृत्यु हो जाती है तब मनाते हैं। ददड़ी सातम और चालीहा महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त तक मनाया जाता है, 40 दिन, ठीक है। अब देखना, झूले लाल जी, क्या नाम है? झूले लाल, झूले लाल का जन्म कब हुआ था? 9 वर्ष के दिन, हैप्पी न्यू ईयर के दिन हुआ था। तो इसमें हैप्पी न्यू ईयर चैत्र शुक्ल एकम, ऑप्शन ही गलत, तो बी आपका उत्तर हो जाएगा, बी आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज हो गए थे क्या? बी चैत्र शुक्ल एकम को हो जाएगा। अश्वचंड 7 महीने बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो आश्विन शुक्ल एकम को, ठीक है। ददरी सातम चलिया मौसम इन्हें बता ही दिया है, तो आपका उत्तर बी चैत्र शुक्ल एकम को हो जाएगा। राजस्थान के लोग, राजस्थान जो आरपीएससी है, आरपीएससी जो आरएस का एग्जाम करवाती है, जो कॉलेज लेक्चर का एग्जाम करवाती है, उनकी संख्या सुनिश्चित कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या विधानसभा? अपने राज्य का लीडर कौन है, सबसे बड़ी तोप कौन है? कृष्ण अवतारी होगी, राज्यपाल, शाबाश बेटा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल ही डिसाइड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता? ये कल वाले क्वेश्चन जो छूट गए थे, अटोर्नी जनरल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री। विधानसभा की बैठकों में भाग ले सकता है, लोकसभा की बैठकों में, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि वो लोकसभा का सदस्य नहीं होता है। कौन नहीं होता है? अटोर्नी जनरल, यानी कि महान्यायवादी, महान्यायवादी, ये एमपी नहीं होता है, इसलिए वोट नहीं डाल सकता। भाग ले सकता है क्योंकि ये राज्य केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। क्या होता है? कानूनी सलाहकार, कानूनी या विधिक सलाहकार, यह केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव का संबंधित कोई भी विवाद हो जाए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई लपड़ा हो गया, लपड़ा हो गया, हाँ बिल्कुल शाबाश सुमन, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, नामिका बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में लपड़ा हो गया, लपड़ा हो गया तो देखो कौन सुनेगा? संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय। सबसे बड़ी तोप कौन है? प्रधानमंत्री भी कांपे उसके सामने, राष्ट्रपति भी दूजने लग जाए, सुप्रीम कोर्ट का जज। सबसे बड़ी तोप कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वही ये मामले सुन सकता है। निर्वाचन आयोग सिर्फ चुनाव करवा सकता है, लोकसभा आयोग बच्चा है रे इसके सामने, संसदीय समितियां ये क्या, वो कंचे खेले जन बचपन को, कंचे खेल वाला राष्ट्रपति के सामने ये सब। तो यहां उच्चतम न्यायालय के अंदर योग्यता होती है, ठीक है।
तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो डी आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री थी? वसुंधरा राजे, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी या मेनका गांधी? क्वेश्चन क्या है? विधानसभा की महिला मंत्री, पहली महिला मंत्री कौन बनी थी, इनमें से कौन बनी थी, पहली महिला मंत्री कौन बनी थी? अपने मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया जी, आधुनिक राजस्थान के निर्माता, सर्वाधिक कार्यकाल 17 साल तक कार्यकाल रहा था उनका। उनके समय में एक महिला थी, उन्होंने एक महिला को, कमला बेनीवाल को पहली बार मंत्री पद दिया था। क्या दिया था? मंत्री। यदि तन पूछ ले राजस्थान का मायने पहली विधायक कौन थी, तो यशोदा देवी थी। क्या नाम था? यशोदा देवी। पूछ ले राजस्थान में पहली मुख्यमंत्री कौन सी, तो वसुंधरा राजे जी। कौन सी? वसुंधरा राजे। मेनका गांधी का तो मामला ही अनुच्छेद 21 के तहत है, आर्टिकल 21 से संबंधित मामला है, सुप्रीम कोर्ट में इनका मामला गया था। ठीक है, ये अंतिम क्वेश्चन है। अब बताओ, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी? विधानसभा की अध्यक्ष थी यशोदा देवी, ये तो एमएलए थी, तो इसका तो पता कट करो, अभी बताया। सुमित्रा सिंह हो सकती है, वसुंधरा राजे ये तो पहले महिला मुख्यमंत्री थी, तो इसको भी काटो। कमला बेनीवाल ये तो पहली महिला मंत्री थी, इसको भी काटो। बचा कौन सा? बी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ओके, बिल्कुल ओके। चलो, आज इतने क्वेश्चन थे, है ना? अब सुनो मेरी बात। देखो, टाइम का बहुत ज्यादा मिसमैच, मुझे लग रहा है कि टाइम का बहुत ज्यादा मिसमैच हो रहा है आप लोगों तक। आपको कईयों को इंग्लिश पढ़नी है, कईयों को रीजनिंग पढ़नी है, कईयों को दोनों पढ़ना है। एक बार सजेशन दो कि कैसे कैसे क्लासेस रखी जाए। पहले 4 सर पढ़ाते हैं आपको, नरेश जी, दिनेश जी, मैं और रोहित सर। आप खुद बता दो कि सर ऐसे ऐसे क्लास शेड्यूल कर दो, मैं 2 मिनट में आपके सुझाव लेता हूँ, फिर कल से कोशिश करते हैं कि उसी तरीके से क्लासेस शुरू की जाए। ठीक है, बताओ। देखिए, अब जल्दी से जवाब दो। मुकेश बेरवा जी, बिल्कुल। सुमित्रा सिंह जी राजस्थान विधानसभा की पहली अध्यक्ष थी, शाबाश। बताओ, सुझाव दो, जल्दी बताओ, वरना फिर मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। जल्दी दो। क्लास है 7:30 बजे से रहेगी। ठीक है, मैं अपना सुझाव दे देता हूँ, तब तक आप कमेंट करो। देखो, क्लासेस करते हैं 7:30 बजे से। पहले रीजनिंग रखते हैं, है ना? रीजनिंग भाई नरेश सर। ठीक है, नरेश सर की पहली क्लास रखते हैं, 40 मिनट की रखते हैं। 8:20 पर मैं क्लास ले लूंगा, हर किसी भी हालत में, है ना? 8:20 या 8:10 पर, 8:10 पर मेरी क्लास हो जाएगी। वो मेरी क्लास जीके की आपको पता ही है, और ये रहेगी 8:50 तक। 8:50 से आया 8-9 बजे तक रख लो, है ना? मुश्किल से 50 मिनट। ठीक है, अगली देखो, 9 बजे से अगली क्लास रहेगी दिनेश जी की। किसकी रहेगी? दिनेश जी की। और 9:40 पर आपके जो रोहित सर हैं, वो रोहित सर आपकी क्लास को संभाल लेंगे। ठीक है, तो ये सुझाव सही है, इसमें सही है। इंग्लिश समझ में नहीं आती है खुशबू बेटा, अभी तक आपकी इंग्लिश की क्लासेस नहीं लगती है ना, इसलिए समझ रहे हैं। 6 बजे से लगा दो क्लास, 6 बजे से लगा दें। हाँ, मेरे को भी नहीं आती इंग्लिश, जब से आपकी क्लासेस लगना शुरू होगी ना, आप समझने की कोशिश करो तब तक। हाँ, तो बाद में करवाओ। ठीक है बेटा, कृष्ण इंग्लिश में सबके लास्ट में कर रहा हूं, 9:40 से इंग्लिश की क्लासेस रहेगी। ठीक है, तो जिसको इंग्लिश में रहना है वो रहो, और जिसको पढ़ना है वो इंग्लिश क्लासेस देख लेगा। ठीक है बेटा, और कुछ बताओ? ओके, एक दूसरे से बातें मत करो, मेरे से बातें करो। ओके सर, उदेश, बिल्कुल शाबाश बेटा, बताओ।
सही रह गए। एक बार यदि ये मामला सेट है तो एक बार डन कर दो, है ना, क्लासेस 7:30 बजे से रखना ना, सही है। तो आप लोग मेरी 8:10 पे क्लासेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस बात का थोड़ा सा विशेष ख्याल रखना, ठीक है। 8:10 पे मैं किसी भी कंडीशन में, 8:10 से हो सकता है 8:13 हो जाए, हो सकता है 8:07 पे ले लूं, 5-10 मिनट ऊपर नीचे चल ली, लेकिन यार कौन भाई 8 बजे ले लूला, 8:20 पर लूला, नहीं, 5-10 मिनट ऊपर नीचे चल ली। और सही है तो आप एक बार थम्स अप का चिन्ह भेज दो फिर आके। ओके सर, खुशबू का कहना ओके सर, ठीक है बेटा, बिल्कुल उदेश, ओके ठीक है, डन तेरी तरफ से। और भी बताओ, हाँ यशोदा देवी, हाँ ठीक है अनामिका बेटा, अनामिका तू बहुत पीछे चल रही है शायद, कहाँ देख रही है तू, ओके बेटा कृष्ण अवतारी होगी, शाबाश, ओके ठीक है, मैं कल 8:10 से, हाँ सर आपको सुझाव सही है, ठीक है बेटा, ठीक है कल से यही रहेगा, ओके 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 अनामिका, ठीक है बेटा, हाँ कृष्ण अवतार, बिल्कुल शाबाश बेटा, ठीक है। ठीक है मनीष, ओके सुमन, हाँ बेटा ठीक है, ओके 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 शाबाश, चलो ठीक है, गुड नाइट, बढ़िया बढ़िया, मीठे मीठे सपने देखो, है ना, और मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, आदाब, सत श्री अकाल। अच्छा अनामिका, गुड नाइट बेटा अनामिका, ठीक है बेटा, बोलते बोलते भेज दिया क्या, बोलते क्या होता है बोलती, अच्छा ठीक है बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।